ए, हो गया क्या? माँ अवतार वाली कटिंग करवाओ ना, एकदम सलमान खान की तरह लगूंगा। तू जल्दी जल्दी कर, नींद आ रही है मुझे। माँ वो फोटो देखो, मुझे वैसी कटिंग करवानी है। देखो ना माँ, माँ इधर देखो, यहाँ से माँ देखो ना, साइड कटवाना है फिर ये साइड कटवाऊंगा, ठीक है ना? और पीछे से ना बड़े ही रखूंगा। ए रुको, ये तेरे लिए नहीं है, उधर जा। ए कमला, तुझे पता नहीं है? जरा अपने बच्चे को सिखा, चल उधर जा। तू ना बहुत जिद्दी हो गया है, मेरी बात ही नहीं सुनता। चुप कर, मुझे कोई बात नहीं सुनी तेरी। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है बेटा, इतनी मेहनत करके अनाज हम उगाते हैं और हमें वहाँ पैर नहीं रखने दे रहे। माँ हम वहाँ पैर क्यों नहीं रख सकते? वो लोग अलग हैं बेटा, हम अलग हैं, बस इतनी सी ही बात है। वो लोग जब तक जिंदा है तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। अगर तुम टाइम पर ब्याज नहीं भरोगी तो हमें क्या करना पता है ना? अरे चलो चलो, चलिए दरवाजा उखाड़ के ले चलो, चल चल ले चल। अरे क्या सुन रहा है? अरे क्या कर रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं बेचारी को? सब ठीक हो जाएगा। माँ पिताजी होते तो अच्छा होता ना? तेरी माँ तो जिंदा है ना बेटा, एक ना एक दिन हम जरूर अपनी जमीन वापस ले लेंगे। कैसे माँ? कैसे बोलने से क्या होता है, पैसों के लिए काम करना पड़ता है, काम करने के बाद ही पैसे मिलते हैं, यही नियम है बेटा। क्या रॉकी, तुम स्कूल भी नहीं आते हो, रोड पे डांस करते रहते हो, ऐसा तुम्हारी मम्मी ने बताया। नहीं मैं मन लगा कर पढ़ूंगा। माँ यहाँ तक है क्या? नहीं नहीं बेटा, वहाँ तक। यहाँ तक? हाँ माँ अपना खेत मिल गया। हाँ बेटा हमारे खेत हमें वापस मिल गए। हे यहाँ जरा अपना हाथ आगे कर। मेरा है सर? थैंक यू सर। मामा मैंने बहुत अच्छा डांस किया तो नरेश सर ने मुझे पैसे दिए, स्कूल में मेरा नाम हुआ, मैंने पैसे कमाए, अब हमारे और उनके बीच कोई फर्क नहीं। कैसे दिया रे, हाथ में दिए या हाथ में डाले? हाथ में डाले। देखा ना उनका दिमाग, झंडा फहराने के दिन ये लोग हमें इस तरह से भीख दे रहे हैं। एक बात याद रखना बेटा, अगर उनसे आगे बढ़ना है तो हमें अपना हाथ उनसे ऊपर रखना होगा और उनका हाथ नीचे। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी, काम दिमाग हर चीज में उनसे आगे होना होगा, तेज होना होगा उनसे, तभी उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं। धीरू जल्दी उठ। धीरू टाइम हो गया यार। हाँ, जल्दी उठ रहा हूं। ए आ जाओ जल्दी, चलो चलो, खुद को फिट रखना है तो जुम्बा करना होगा। लेट्स स्टार्ट। Come on, come on, jump up! Jump, jump! Yeah, that's the way! Super! सर ये सब कब कम होगा सर? नेक्स्ट क्लास में हम कोई एक्सरसाइज ट्राई करेंगे, ओके? पक्का करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। रिंकी कैसी हो?
सर वो क्या है कि मेरे हस्बैंड फीस देने से मना कर रहे हैं। एक्चुअली वेट कम नहीं हुआ ना, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। ठीक है ना सर? अरे ऐसा कैसे चलेगा, हमने गारंटी दी थी क्या? पैसे के बिना हम जुम्बा कराएं? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं बात कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ हमारी गलती नहीं हो सकती, आपको भी ट्राई करना चाहिए ना। ट्राई कर रही हूं सर। और कितना दिखता क्यों नहीं है? अपने हाथ पांव हिलाती नहीं हो, बस यहाँ खड़े होके देखती रहती हो, कैसे वजन कम होगा? जुबान चल रही है हाँ? तुम्हारा वीडियो मैं दिखाऊं क्या? है मेरे पास? दिखा मुझे। तुम रुको, इसको मैं दिखाता हूँ। अरे ये देख भाई, खड़े खड़े बाल को जा रही है। मैं नहीं, नहीं रिंकी, ये तुम नहीं हो, तुम बुरा मत मानो। ए, क्या दादागिरी कर रहा है? अरे दादागिरी वो कर रही है। तू चुपचाप जा, जा यहां से, चल निकल। कोई बात नहीं रिंकी, कल हम वर्कआउट चेंज कर लेंगे, तुम्हें फर्क पड़ा तो पैसे दे देना। ओके नो प्रॉब्लम, चलो कल मिलते हैं। सर इस मोटे को हटाकर किसी लड़की को रखिए, बात करने की भी तमीज नहीं है इसे। ए, मोटा किसको कहा? चल रास्ता ना। चल जा। अरे क्या भाई, तू भी पतले होने की गारंटी दी है क्या? ऐसे कैसे पैसे नहीं देगी? ऐसा ही चलता रहा तो लक्ष्मी देवी कभी प्रसन्न नहीं होगी। यार कुछ भी कर लूं, लक्ष्मी देवी मेरे पास रहती नहीं है। करेक्ट है, वो कृष्णा की लवर है ना, वो भी पैसे नहीं देती। एक तो यार वो बैंक का मैनेजर भी पैसे नहीं दे रहा है, एक बार वो लोन दे देगा ना तो ये रोज रोज का नाटक बंद हो जाएगा। सही कहा। अरे वो लोग आ गए क्या? वो लोग बैंक के पास है, फोन करके हमारे बारे में पूछ रहे हैं। चल जल्दी कर, लेट हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है। अरे बेटा रॉकी रुको रुको, अरे उस टेरिस का क्या किया तुमने भाई? तीन दिन से लगातार बोल रहा हूँ मैं, यू आर टेकिंग मी वेरी लाइटली यू नो। ऐसा नहीं है सर, कल हॉलिडे है ना, अभी बैंक में एक अर्जेंट काम है, वापस आकर कर दूंगा। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, मुझे भी बहुत काम है। कोचिंग सेंटर वालों ने तुम्हारे गुम्मा के ऊपर साउंड पोल्यूशन का कंप्लेंट दर्ज करवाया है, पहले उनसे जाके बात कर लो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। नहीं है सर, जुम्मा है। अरे वो जो भी हो, साउंड पोल्यूशन तो है ना सर। अभी मैं जाके आता हूँ, बहुत अर्जेंट है सर। ठीक है ठीक है, जाओ। क्या कह रहा था? सुबह सुबह अंकल ने टोक दिया। अरे भैया भैया जरा सुनो, एक बार लोन सैंक्शन हो जाए फिर मेन रोड पे नया सेंटर खोलेंगे। हाँ फिर वहाँ अपनी पार्टी भी होगी। तुम्हारे सारे पेपर तो सही हैं, लोन तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन 6 महीने लगेंगे, अमाउंट 50,000 होगा। क्या, क्या बात कर रहे हैं? 50,000? 50,000 से क्या होगा सर? तुम सबको ऊपर आने के लिए। क्या कहा सर? अरे ऊपर आने के लिए। ये ऊपर ऊपर क्या होता है सर, अगर रिक्शा में इंजन ही नहीं होगा तो उस रिक्शा का क्या करेंगे, आप कुछ कीजिए ना। बात तुम्हारी सही है, लेकिन बैंक का रूल ऐसा ही है, हम क्या कर सकते हैं। 0 से उठकर आया हूँ सर, अपना खुद का जुम्बा सेंटर खोला है, बहुत मेहनत करूंगा सर, एक बहुत अच्छा प्लान है, आप कुछ कीजिए ना सर प्लीज। और ये लॉस वाला बिजनेस नहीं है सर, आजकल हर किसी को कुछ ना कुछ टेंशन है, फैट लॉस स्ट्रेस स्ट्रेन सब कुछ है सर। हॉस्पिटल में फीस देने से लोगों को अपनी हेल्थ प्यारी है, लाइन लगा के खड़े होंगे जुम्बा सेंटर पे। सही है, मुझे तो कन्विंस कर सकते हो, बैंक को कन्विंस नहीं कर सकते ना। सिक्योरिटी के तौर पे घर या जमीन के कागजात लेके आओ, जितना हो सके उतना दे दूंगा। हमारे पास कौन सी जायदाद है? अरे गांव में तेरी जमीन है ना? ए, वो माँ की जमीन है, भूल जा। तुम पे तुम्हारी माँ विश्वास नहीं करी है, बैंक कैसे विश्वास करेगा? क्या कह रहा है तू? मेरी जमीन के बारे में बात भी की तो तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। एक एक पैसा जमा करके किस तरह से जमीन छुड़वाई है? शांत हो जा माँ, मैं बोल रहा हूँ क्या उन्होंने जो बोला है वो बता रहा हूँ, ये सब मैं जानता हूँ। ठीक है, खाना खाया? अच्छा सुन, राजेश आज आने के लिए कह रहा था, उससे पूछ कब तक आएगा। ठीक है ठीक है भाई। अब रेंट कैसे भरेंगे, अपने स्टूडेंट्स भी कम हो रहे हैं। अरे भैया जरा इधर आइए, भैया इसे उठाइए ना। अब भैया जरा सुनो ना, भैया एक मिनट, मेरा नाम सनी है भैया, मुझे जुम्बा सेंटर में पार्ट टाइम जॉब चाहिए थी। मैं रोज सुबह आ जाऊंगा, शाम को भी आऊंगा, रूम साफ करूंगा, नाश्ता बनाऊंगा, चाय बनाऊंगा, सारे काम करूंगा, सैलरी भी मत देना। सैलरी नहीं चाहिए? नहीं, चाय भी बने? हाँ। मेरे मुंह पे बेवकूफ लिखा हुआ है क्या? मुझे पता है तू वहां क्यों आना चाहता है, उस गीता के पीछे पड़ा है ना, फिर से यहाँ दिखाना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। निकल। भैया मेरी बात तो सुनो, चल जाना। एक बार सुनो, पहले टेंशन कम नहीं है, एक बार प्लीज दे दो ना। हो गया ना, चल जा। हाँ भाई, फिर से लीक तो नहीं होगा? नहीं 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 होगा भाई। चल सर, हो गया, लीक नहीं होना चाहिए। नहीं होगा सर। और तुम्हारे लोन का क्या हुआ? मिल जाएगा सर, पक्का मिल जाएगा, मिल जाएगा। जवान लड़का हमारी हेल्प करेगा ये सोच के तुझे किराए पर मकान दिया, और 2 महीने से तूने रेंट भी नहीं दिया। हाँ हाँ यही रुको, अरे रुको, बस बस यही घर है, यही घर है। अरे रुक जाओ। पहले ही बोला था ना मैडम,
ये लो। अरे रे, 5 रुपए वापस देने हैं ना? 5 रुपए? हाँ। छुट्टे नहीं है, 5 रुपए आप दो, मैं 10 देता हूँ। नहीं है। क्या? मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या करूँ मैडम, मेरे पास छुट्टे नहीं है। क्या मैडम, सुबह सुबह 5 रुपए के लिए नाटक कर रही हैं आप? अरे मेरे पास नहीं है ना। देना होगा। देना पड़ेगा? आपका घर यही है ना? हाँ। आप लेकर आओ, मैं रुकता हूँ। जाओ। यही रुकना है? मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं यही रुकूंगा, जाओ। हाँ। मैं रुकता हूँ। अरे सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रही थी। हाँ भैया, अरे भैया पैसे, मेरे पैसे। कमीना छुट्टा नहीं दिया। मौनी। क्या बात है अचानक? बताती हूँ। अरे तेरे पैर को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, ऑटो वाले के अंदर दिल ही नहीं था, मेरे 5 रुपए खा गया। 5 रुपए? अरे यहाँ पर किसी के पास भी हार्ट नहीं है, तुझे पता है ना उनसे कैसे डील करना है। चाय पिएगी? अरे नहीं, भजिया लेकर आई हूँ। परसों काव्या का फोन आया था, ऑफिस में जॉब है बोल रही थी, क्वेश्चन पेपर भी भेज दिया है उसने। ये जॉब तो मिलेगा ही। अरे बाप रे, तो बेस्ट है, जॉब मिलते ही पार्टी देना। साईं बाबा की दया से अगर ये जॉब मिल गई ना तो जो बोलेगी दूंगी। बस ये जॉब मुझे मिल जाए। घर वाले मान गए क्या? बहुत प्रॉब्लम हुई, मैंने बहुत समझाया, माँ ने किसी तरह पापा को समझा लिया, पर मेरी दादी और वो दुर्गा प्रसाद लास्ट तक मुझे रोकने की कोशिश करते रहे। दुर्गा प्रसाद कौन है? वही, मेरे मामा। ओके। एक महीने का टाइम दिया है, जल्द से जल्द जॉब नहीं मिली ना तो बर्तन मांजने पड़ेंगे। अच्छा तूने आंसर्स देखे ना? पता है उस बेचारी ने आंसर्स भी भेजे हैं। अच्छा? एकदम रट लिए। वही पेपर आ जाए तो जॉब की गारंटी, बस इंटरव्यू मुझे मैनेज करना होगा। सब हो जाएगा यार, क्लास का टाइम हो गया है, मैं जाके आती हूँ। अब मैं बहुत टेंशन में हूँ, जाते जाते कुछ अच्छा बोलकर जाना। मोनी तुझसे होगा, तुझसे होगा, तुझसे होगा, ठीक है ना? बाय। ए, सुनो। तुम्हारी फ्रेंड है? हाँ सर। उसे भी ज्वाइन कराओ ना, बहुत नर्वस है, उस दिन ऑटो में देखा ना मैंने। अरे वो नहीं करेगी सर। फीस की टेंशन है क्या? दोनों का 50-50 दे दो। अरे सर उसके अपने दूसरे प्रॉब्लम्स है, वो जॉब ढूंढ रही है, नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, जॉब मिलने के बाद पूछ लूंगा। ओके सर। व्हाट इज दिस? सर ये साउंड वगैरह सब बंद करो। आइए ना, सब बंद करो। हो गया, हो गया। Hey, congrats! You got highest in the written test. Thank you, sir. Oh, Rampur! मेरा भी गांव रामपुर है. Only 48% in engineering. Why? Not like that, sir. First year lecturers didn't come. Oh. Second year chicken gunia, sir. What? थोड़ा जोर से बोलेंगे? Chicken gunia, sir. Oh. Third year I tried to make up, sir, but. It's okay. Can you solve this simple Java program for me? Sir? Yeah, you got highest in the written test. Just do it. Already काफी देर हो रही है. Sir? It's the same thing. इतना time क्यों लग रहा है आपको?
ये सिंपल जावा प्रोग्राम है, अब तक तो सॉल्व भी हो जाना चाहिए। अरे तू इतना ज्यादा टेंशन मत ले, ये जॉब चली गई तो क्या हुआ, दूसरी मिल जाएगी। बाय। हेलो, अब आवाज आ रही है? अरे रुको 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 रुको, रुको। अरे क्या बात है मैडम, क्या हुआ? ठीक है मैडम, मैडम सुनिए, पैसे कम है भाई साहब, थोड़ा कार आगे लगा दो प्लीज। एक मिनट रुको, अरे तेरे मामा आए हैं, बाहर वेट कर रहे हैं, जल्दी आ। हाँ देखा मैंने, गेट के पास ही हैं, मुझे ले जाने आए हैं लगता है। प्लीज यार कुछ भी बोल दे। हाँ बोल दे कि इंटरव्यू का सेकंड राउंड अभी बाकी है, प्लीज ऐसा बोल दे, प्लीज यार कुछ तो कर। ओके ओके बोलती हूँ। जॉब कन्फर्म हो गई ना तेरी? कन्फर्म? ये जॉब तो मुझे मिलेगी ही नहीं, इंटरव्यू के वक्त चक्कर आ गया था। कोई बात नहीं यार, दूसरी मिल जाएगी। तो टेंशन मत ले, मैं कुछ भी करके तेरे मामा को भेज दूंगी, तो रोना बंद कर, हाँ मैं सब संभाल लूंगी। अरे भाई वो देख क्लाइंट। पेपर तो अच्छे से लिखा था, इंटरव्यू में क्या हो गया? अरे बहुत हार्ड था। इंटरव्यू में कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है क्या? तेरे पास ब्रेन ही नहीं है, तुझे पेपर मिल गया तो पूरा करेक्ट लिखेगी क्या? थोड़े बहुत मिस्टेक करने चाहिए। अच्छा मेरी किस्मत खराब है, लाइफ में पहली बार फुल मार्क्स आए थे पर जॉब नहीं मिली। फुल मार्क्स आएंगे तो डाउट होगा ही ना, जरा भी दिमाग नहीं है तेरे पास, ऐसे बेवकूफी करेगी तो जॉब कभी नहीं मिलेगी, ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा, हाँ जरा सोच। सुन रही है ना तू? अच्छा हेलो, बाद में फोन करती हूँ, मामा का फोन है तो उन्हें समझा कर भेज देना। ठीक है ठीक है ओके। आइए आइए ना आइए, अरे आइए ना बैठिए। मॉर्निंग इवनिंग बैचेस होते हैं 5:30 6:30 4:30 5:30, किसी को साथ लाया तो 1500, अकेले आए तो 1800। नीचे जो जूस सेंटर है उसके साथ टाइप है, वहां जूस पियेंगी तो 500, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना? ये वन प्लस वन ऑफर आपको नहीं दे सकते, आप अकेली आई है ना, ये ऑफर आपको नहीं चलेगी। हाँ क्या टाइम सूट करता है आपको? हाँ? कौन से बैच में, मॉर्निंग या इवनिंग? जुम्बा क्या होता है? जुम्बा? जुम्बा मतलब एनर्जी, फैट, वेट, स्ट्रेस, स्ट्रेन, थायराइड, एनी सॉल्यूशन वन प्रॉब्लम। हाँ एनी प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन। हाँ ये जुम्बा है। हेलो। अरे ये क्या यार, तेरे मामा तो वहाँ से हिलने को तैयार ही नहीं है। अर्जेंट काम है, मैं बाद में आती हूँ। हाँ थैंक यू। रुको एक मिनट, ये मेरा नंबर है। भाई हाँ तू बटन बंद करना भूल गया। हेलो, 500 छुट्टे नहीं है। हजार दूंगा बे। चल, अरे क्या हुआ? ए, हाथ मत लगा, हाथ मत लगा। ए, भाग ऐसे, तू जानता नहीं मेरे को, हाथ मत लगा, बात क्या है तेरी? तो लड़की ऐसे बैठी है तो उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, जॉब नहीं मिल रही है, लड़के ने धोखा दिया, पैसे की प्रॉब्लम है, ये सोच सकता था ना। हाँ लेकिन वो अकेली बैठी है तो मेरे साथ आएगी क्या, तेरा रेट क्या है, मेरे साथ चलेगी क्या, ये सब क्यों सोच रहा है? हा? बोल तो सही रहे हो लेकिन लड़की बड़ी मस्त है। हेलो कौन था वो, तुम उसे जानते हो? अरे एक नंबर का कमीना है वो, छोड़ो उसे।
जॉब नहीं मिली। तुम्हें कैसे पता? ऐसे मुंह लटका के बैठे हो इसलिए गेस किया। ज्यादा टेंशन मत लो, नेक्स्ट टाइम मिल जाएगी। एक बात बोलूं क्या? जुम्बा ज्वाइन कर लो, एक महीने तक जॉब नहीं मिली तो फीस वापस। हाँ, टाइमिंग फुल फ्लेक्सिबल। चलो ठीक है, तुम्हें 1+1 ऑफर भी दे देता हूँ, अब तो मान जाओ। नहीं, प्रॉब्लम क्या है? पैसों की प्रॉब्लम, रिचार्ज के भी पैसे नहीं है। पैसों की प्रॉब्लम? मैडम मैडम, ये हमारा फिटनेस सेंटर है मैडम। फैट वेट स्ट्रेस हर प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है मैडम। मैडम मैडम, 1+1 ऑफर भी है। ठीक है, एक काम करो, ये लो ये पैम्पलेट बांटो। वो धीरू बांट रहा है ना, वैसे हर पैम्पलेट का 5 रुपया दूंगा। वो क्या है ना, लड़कियां हमसे लेती नहीं है, तुम दोगी तो ले लेंगी। क्या कहती हो? अरे मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मैंने पढ़ाई की है तुम्हें पता है, बीटेक। गांव में मेरी 25 एकड़ की जमीन है, पैम्पलेट बांटूंगी यहाँ, समझ क्या रखा है मुझे? वाह रे वाह, बहुत जबान चल रही है। सुबह सुबह 5 रुपए के लिए ऑटो वाले से झगड़ा किया, अब कह रही हो रिचार्ज के पैसे नहीं है। कहती है बीटेक किया, 25 एकड़ की जमीन है। देखो मुझे कोई जरूरत नहीं है, वो आदमी कौन था पता है? लड़कियों का ब्रोकर, तुम्हें उससे बचाया मैंने, फिर आएगा तंग करने के लिए, तब मत कहना। मैडम मैडम, फैट वेट स्ट्रेस स्ट्रेन थायराइड, एनी प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन मैडम। नहीं चाहिए हमें मैडम, प्लीज मैडम मैडम, 1+1 ऑफर भी है। हेलो माँ, कितनी बार बोला है मैंने तुमको, उन्हें यहाँ क्यों आने दिया? क्या मैं उसे वहाँ लेकर आई हूँ? नानी ने बोला तो मैं क्या करूँ? जवान लड़की शहर में रहती है, किसके साथ रहती है पता नहीं, फोन दो मुझे। जॉब का नाटक खत्म होते ही घर आ जाओ। माँ को फोन दीजिए। ये लो फोन, तुमसे बात करनी है। अरे बेटा, तुम्हारे मामा शहर में कुछ काम के लिए गए थे, तुम्हें कुछ पैसे देने के लिए वहाँ आए होंगे, अब इसमें मैं क्या करूँ? अरे 5 एकड़ की जमीन है हमारी, वो क्या हमें भीख दे रहे हैं? ऐसे करते हैं जैसे पूरे गांव को वही पाल रहे हैं। छी, अगर पापा सही होते तो ये सारा नाटक होता ही नहीं। क्या कर रहे हैं, पी रहे होंगे ना? मुझे दीजिए। दीदी आपको एक फोटो व्हाट्सएप की है, आपने देखी? रमा अच्छे से पढ़ाई करना, टाइम वेस्ट मत करना, यहाँ जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है। बाप रे, आप ही बात करो माँ। अकाउंट में कुछ पैसे भेजूं क्या? बिना पैसों के गई है। पैसे भेजने के लिए मामा से ही मांगोगी ना, जरूरत नहीं है। भेज दूंगी बेटी। नहीं मुझे नहीं चाहिए माँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। मौनी, मौनी कहाँ हो तुम? मौनी, क्या यार तू यहाँ बैठी है, क्या हुआ तुझे? सोचा था ये जॉब तो गारंटीड मिल ही जाएगी। अरे छोड़ ना यार, लाइटली ले, अब कोई होप नहीं है यार। अरे अपना बली है ना, याद है तुझे? वो एक अच्छी कंपनी में है, मस्त पोजीशन पे, एक बार उसे कॉल करना। उस बली को मेरा दिमाग खराब कर देगा। अरे इसमें गलत क्या है, क्या सोच रही है तू? जा, याद है कॉलेज के टाइम पे तुझे लाइन मारता था, वो जरूर तेरी हेल्प करेगा। बहुत भूख लग रही है, चल खाते हैं, चल। तेरे ये जुम्बा सर अच्छे इंसान है, क्यों पूछ रही है? शाम को मैं उन पर बहुत चिल्ला पड़ी। तू चिल्लाई? कुछ भी मत बोल, झूठी। सच बोल रही हूँ यार, बेचारा पता नहीं मुझे क्या समझेगा। कुछ नहीं समझ रहे होंगे, चल। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, कम ऑन कम ऑन, वंस मोर। थोड़ा और हाई, क्या कर रही है मैडम? सर आपने जो एक्सरसाइज बताई थी उससे वेट तो कम हो रहा है, पर बैक थोड़ा कम नहीं हो रहा। ए धीरू, तू वहां जा, एक्सरसाइज करवा। ठीक है। ओके मैडम, नेक्स्ट वीक आपका वर्कआउट चेंज करते हैं। ओके, टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट वीक। ओके सर। एनर्जी एनर्जी, ए
हाँ? तुझे बोला ना यहाँ मत आया कर, चल निकल। भैया वो, अबे जा बोला ना। मैं पैम्पलेट बांटूंगी, कल पार्क में बोल रहे थे ना तुम। अभी जरूरत नहीं है, वो हो गया। जरूरत नहीं है। पर यहाँ तो रखे हैं। रखे हैं पर तुमसे नहीं होगा। तुमसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मुझसे होगा। होगा? हाँ। बीटेक किया है, 25 एकड़ जमीन है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई कहाँ जा रहा है? अरे सुन तो, जा कहाँ रहा है? सुनो सुनो सुनो, ए, रुको रुको रुको, एक मिनट। ये लो 100 है। तुमने कहा था ना बांटोगी। नहीं, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है। हा? पता नहीं किस बात का एटीट्यूड दिखाते हो, जाने दो। ए, तुम्हारी एक गलती मेरी एक गलती, हिसाब बराबर। ए, धीरू ऊपर से देख रहा है, अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज ले लो ना। वो कौन है? मुंह बोली बीवी है। अरे अरे पर पैसे क्यों? मैंने पैसे थोड़ी ना मांगे अभी, मुझे हेल्प करनी है। पार्क में तुमने मेरी हेल्प की थी ना। पैसे के बिना काम नहीं करना चाहिए, और काम करते ही पैसे ले लेने चाहिए, समझ गई? पर अभी काम कहाँ किया? वो तो कर लोगी, पैसे हाथ में रहेंगे तो काम अच्छे से होगा। ये लो। नहीं रहने दो, चलती हूँ। ए, ऐसा करोगी तो इमोशनल हो जाऊंगा, बुरा लगेगा यार। तुम्हें बुरा लगे तो मुझे उससे क्या? मैंने पार्क में तुम्हारी हेल्प की थी ना। हाँ ठीक है, तो बताओ क्या करूँ। हाँ, ये पैम्फलेट बांटने हैं, और ये पैसे भी रखो, ऐसे हैप्पी रहने का। रॉकी, सर 2 महीने से तुमने घर का रेंट नहीं दिया है, और पैम्फलेट के लिए उसको 500 रुपए दे दिए। सर सर सर, वो लड़की है ना सर, उसकी प्रॉब्लम है। मैं पैसे दे दूंगा ना, दे दूंगा। क्या कह रहा था? वो लड़की किसी प्रॉब्लम में है भाई। हाँ। चिकन बनाते ना आज? नहीं यार रहने दे, बहुत दिन हो गए खाए। चिकन बनाएंगे तो नीचे खुशबू जाएगी, वैसे भी 2 महीने का रेंट नहीं। अरे ये ऐसे बनाऊंगा कि खुशबू आएगी नहीं। चलना बनाते ना। ठीक है, तू जाके चिकन लेके आ, मैं यहाँ रुकता। हाँ ठीक है। मुंबले 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 ले लो मुंबले। मुंबले, ये मेरा है। तुम्हारा कैसे है? हे अंधे, ये देख मेरी फोटो। मुझे क्या बोलो, उस लड़की को बोलो ना। हे पका मत, वो लड़की देखे गई थी। ये कैसे बना रहा है? अरे रेसिपी यूट्यूब में देखी है, बहुत टेस्टी बनेगी, देख लेना। और सुनना, ऐसे करेंगे ना तो जल्दी से पेट कम होगा। अरे पेट कम नहीं होगा। अरे होगा, तू देखना। अरे कैसे होगा? ऐसा करेगा तो पेट पे नहीं बैक पर असर होगा। अरे जोर लगा के घूमते रहेंगे तो सब कम हो जाएगा। पेट देख और तेरा देख। हेलो, चिकन बना रहे हो क्या? भाई वो लड़की, तू ध्यान मत दे। ए तू जाकर चिकन देख, जा। देखना भाई, हंस रही है। चिकन बना रहे हो? पैम्फलेट बांट दिए? हाँ बांट दिए। किसी मूंगफली वाले को? कैसे पता चला? मेरे पैम्फलेट भी वेस्ट किए और मेरे पैसे भी, और ऊपर से टाइम भी। मैंने कहा था ना तुमसे नहीं होगा। ट्राई किया था मैंने, नहीं हुआ। पैसे लौटा दूंगी। कैसे लौटाओगी? पैसे तो मुझसे एडवांस में ही ले लिए, पैम्फलेट क्यों नहीं बांटे? वो गाँव वाले दिख गए थे तो शर्म आ रही थी। शर्म? पार्क में फालतू बैठने में शर्म नहीं आती क्या? पैम्फलेट बांटने में शर्मा रही हो? एसी और कंप्यूटर हो तभी काम होता है क्या? हम लोग तो बेवकूफ बैठे हैं ना। क्या कहा? मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। इंजीनियरिंग की है मैंने। इंजीनियरिंग? तुम्हारी जॉब कहाँ है? क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद भी जॉब नहीं मिली ना, इसे बेरोजगारी कहते हैं। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम, तुम भी बेकार हो। मुझे बेकार कह रही हो? तुम मेरे बारे में जानती क्या हो? जीरो से स्टार्ट किया है, खुद के दम पे सेंटर खोला है, महीने का 50,000 कमाता हूँ मैं। तुमने 1 रुपया भी लाइफ में मेहनत से कमाया क्या? बोलो। अरे ये कोई पैसे कमाने का तरीका है? बस कूदते रहते हो। कूदता रहता हूँ, डांस है ये, जूम्बा। पर ये सब तुम क्या जानो? हा? अगर यही एटीट्यूड रहा ना तो तुम्हें कभी जॉब नहीं मिलेगी, लिख के देता हूँ। तुमसे नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जाओ।
So, I was saying, क्यों इतनी इंग्लिश झाड़ रहे हो? दिमाग मत खराब करो. अगर जॉब नहीं दे सकते तो सीधा सीधा मुझे बोल दो. यहाँ तो बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा. मौनी, मौनी लिसन, मौनी, 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 ओके ओके ओके. एक जॉब है, मेरे फ्रेंड का स्टार्टअप है, डेटा एंट्री का काम है, पर सैलरी ज्यादा नहीं होगी, 5,000 से ज्यादा नहीं देगा. मैं कोई बर्तन मांजने वाली दिखती हूँ? मौनी, मौनी, इंटरव्यू में घुसते ही तुम्हें चक्कर आने लगते हैं, कहाँ रेफर करूं मैं तुम्हें? टेंशन से मुझे चक्कर आता है, उसे भी नोट करते हो तुम? अरे मुझे डांटने से क्या मिलेगा, मैं सच बोल रहा हूँ, कुछ तो आना चाहिए ना, कोई तो एक टैलेंट होना चाहिए ना. मौनी, मैंने पहले ही कहा था ना तुमसे नहीं होगा, एसी कंप्यूटर के सामने बैठे तो काम होता है, हम क्या ऐसे ही फालतू हैं? तुमसे नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा. Chakega chumeto aaj duniya bula
नचाके नाचू मैं तो आज सबको नचाके नाचू मैं तो आज दुनिया भुला के नाचू मैं तो हो गया हूँ आज तेरा रे तो आज दुनिया भुला के नाचू मैं तो हो गया हूँ आज तेरा रे तो आज दुनिया भुला के नाचू मैं तो हो गया हूँ आज तेरा रे तो आज दुनिया भुला के नाचू मैं तो हो गया हूँ आज तेरा रे हेलो हेलो मोनी, क्या डांस किया यार तुमने, बारिश भी शर्मा गई। ये जॉब वॉब का नाटक छोड़ के मुझे ज्वाइन कर लो ना। तुमने तो कहा था मुझसे नहीं होगा, अब होगा क्या? सॉरी सॉरी, अरे वो मिस्टेक से हो गया। तुम्हारे अंदर कुछ मैजिक है, हम दोनों मिल गए ना तो जुम्बा सेंटर मस्त चलेगा। तुम लड़कियों को सिखाना, मैं लड़कों को सिखा दूंगा, क्या लगता है तुम्हें? मेरे पास इसे कम करने का आइडिया है। अच्छा, ए क्या है बताओ ना। नहीं बताऊंगी, अभी मुझे जरूरत नहीं है, जॉब मिल गई है। अरे क्या जॉब? अब पीछे पीछे मत आओ मौनी। तो ये जॉब है स्टेशन पे। देखा तुमने, मतलब मुझे फॉलो कर रहे हो। मैं फॉलो कर रहा हूँ वो भूल जाओ, तुम्हारी हरकतें पुलिस ने देखी ना तो वो फॉलो करेगी। काम नहीं है तो घर पे भी तो बैठ सकती थी ना। खाली बैठने से दिमाग खराब होता है। अरे तो मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ ना, स्टेशन पे बैठने से तो बेटर ही है, स्ट्रेस चला जाएगा, पैसा मिलेगा, फिट हो जाओगी। घर वाले नहीं मानेंगे, जाने दो। ए, क्या प्रॉब्लम है, डांस ही तो करना है ना। ठीक है पार्टनरशिप देता हूँ, तुम घर पे बोल देना बिजनेस शुरू कर रही हो। नहीं। अरे जॉब करो या बिजनेस, पैसा घर में आए इससे मतलब है ना, बिजनेस ही फ्यूचर है। मौनी मौनी सुनो ना। भैया भैया सुनो ना। मौनी भैया भैया प्लीज प्लीज। अरे जा यार मौनी, क्या मिलेगा सॉफ्टवेयर जॉब से, फीकी पड़ जाओगी, बैक पेन होगा। भैया प्लीज मेरी बात सुनो। अरे बाल झड़ जाएंगे, मेरी बात मान लो। भैया एक मिनट, भैया प्लीज मेरी बात सुनो ना, प्लीज जरूरी बात करनी है, प्लीज एक मिनट। क्या नाटक है तेरा यार। भैया दीदी आपकी दिल की फीलिंग को समझ नहीं पा रही है, यही बात है ना? हाँ तो सही कहा ना, मेरी भी सेम फीलिंग है भैया, समझने की कोशिश करो ना प्लीज प्लीज। चल समझ गया, बता अपनी फीलिंग बता। भैया मैं और गीता 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर उसके घर वाले खतरनाक है भैया, अगर उन्हें पता चल गया ना तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे भैया छोटी सी जॉब चाहिए, जॉब मिलती गीता खुश हो जाएगी। क्यों बे, मेरा सेंटर तेरा लवर अड्डा है? अरे नहीं भैया, नहीं नहीं ऐसी बात मत करो प्लीज, सॉरी बस हेल्प कर दो। मैं समझा रहा हूँ समझ नहीं पा रहा है क्या, लड़की बहुत पैसे वाली है, उसका बाप 1 साल के पैसे देकर गया है। वो कौन है जानता है ना, और हम लोग क्या है? मेरी बात समझ, खाने को पैसे नहीं है, लोन नहीं मिल रहा है, घर का रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, तो वो तुझे बेटी देंगे क्या? हाँ देख टाइम वेस्ट मत कर, अपनी लाइफ सुधार। भैया भैया मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, कॉलेज का टॉपर हूँ, 6 महीने में कैंपस सिलेक्शन, मुझे पक्का जॉब मिल जाएगी, 1 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। तेरी 1 लाख रुपए की सैलरी से वो हाँ कर देंगे क्या? नहीं मानेंगे वो, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों बेकार इस लफड़े में पड़ रहा है तू? हाँ भैया मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे प्यार हो गया है भैया, जिससे प्यार करता हूँ उस लड़की को रोज देखने का एक चांस मिल जाए, बस इतना चाहता हूँ भैया। आप भी तो किसी से प्यार करते हैं ना। जो मिल रहा है वो कर ले, जॉब वॉब तुझसे नहीं होगा। घर वाले नहीं मानेंगे तो जॉब के लिए ट्राई करती रहे, सुबह शाम जुम्बा कर, घर वाले पूछेंगे तो बोल देना जॉब मिल गई। याद है ना उस दिन कितना जबरदस्त डांस किया था तूने, वाह वाह।
सर जो बोल रहे हैं एक बार सोच ले तू, मैं जो कह रही हूँ सुनना तो। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है तेरे सर ने? अरे एक्सेप्ट कर ले यार, और पैसों के बारे में तो बोलना ही मत, 20,000 से कम मत बोलना, समझ गई ना तू? 20,000 रुपए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुझे? तेरी तो उसे जरूरत है, वो पूछ रहा है, हमें सोचना चाहिए। क्या सोच रही है? हाँ जा जा जा, अभी जा, जल्दी जा। रॉकी सर, सर, रॉकी सर। हाँ? सर यहाँ, मैं सोच रही थी कि मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। हे सुपर, थैंक यू हे, एक मिनट मैं वहां आता हूँ। ए ये क्या था? आओ। मैं आऊँ? अरे आओ ना, तुम हाँ कहोगी सोचा ही नहीं था, अब बैठो ना। टाइमिंग्स क्या होंगी? मॉर्निंग इवनिंग। और पैसे? पैसे पार्टनरशिप करते हैं 50-50, बिजनेस सुपर्ब होगा, पार्टनरशिप से तुम्हारा बहुत फायदा होगा। पार्टनरशिप तो ठीक है। हाँ? पर मुझे महीने के 20,000 रुपए चाहिए। महीने के 20,000 रुपए ऊपर से पार्टनरशिप, ठीक है ना? नहीं वर्कआउट होगा मोनी। अरे रे रुको रुको, बैठो ना। बीटेक किया है ना, 20,000 से कम मिलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ए, ये क्या लॉजिक है? बीटेक है, डांस डांस है। बिल गेट्स प्रभुदेवा से जॉब मांगेगा तो लात ही पड़ेगी ना उसे। जब देखो इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट निकालती हो, थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ना। ठीक है, 15,000 दे दोगे? हाँ हाँ बोलो ना। ठीक है ना, सोचता हूँ, मुझे हिसाब देखना होगा। ठीक है, डिसाइड करके बता देना। हाँ कल बताना। कल बताओगे ना? हाँ। 10,000 तक दे सकता हूँ। अरे चुप करो, 10,000 भी कुछ होते हैं? तुम्हें कहाँ पैसों की कमी है? इतना बड़ा सेंटर खोलकर बैठे हो, महीने के 50,000 कमाते हो, 15,000 नहीं दे सकते? हो जाएगा बाबा। ये खाना बनाना भी बहुत मुश्किल है यार। हाँ? अरे तू इधर क्या कर रहा है? कूद गया था। माँ। हाँ बोल। एक बात पूछनी है माँ। सुबह सुबह क्या पूछना है तुझे? अरे सुन तो, माँ कल सेंटर में एक लड़की आई थी, उसने मस्त डांस किया, ज्वाइन करने कहा तो 15,000 मांगे। वो डांस के 15,000 रुपए? पागल है क्या? मैं तो नहीं देने वाली पैसे वैसे। अरे माँ स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। कोई जरूरत नहीं है उसे जाने के लिए, कह दे। और तू कहाँ से लेकर आएगा? माँ 4 महीने पैसे नहीं दूंगा तो चलेगा? तेरी टांग तोड़कर हाथ में दे दूंगी। अच्छा बिजनेस डेवलप होगा माँ। वो पैसे मुझे दे दे, मैं डेवलप कर दूंगी। तो तुम यहाँ आके जुम्बा सिखाओगी? अरे हम घर जा जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं तब भी 15,000 नहीं मिलते हैं। उसे 15,000 क्यों देने हैं? मुंह बंद करके चुपचाप बैठ, हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? हाय माँ, सुनो ना माँ। ठीक है, लास्ट बात बोल रही हूँ, 10,000 बोल दे, नहीं तो जरूरत नहीं है, कह दे। भाई मना कर दिया ना? अरे भाई वो बहुत पैसे वाली लड़की है, उसके पास 25 एकड़ जमीन है, रामपुर की है, उसे नौकरी क्यों चाहिए? रामपुर की है? हाँ वो तेरे गांव की है, अपने घर वालों से लड़कर यहाँ जॉब के लिए आई है। 10,000 तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो लोग हैं कौन यार? उसका मामा वहाँ का जमींदार है, उसका नाम है नरेश, बहुत पैसे वाले हैं। अच्छा हुआ काम नहीं हुआ। हा? भाई पैसे के लिए तू तैयार तो नहीं हो गया? गाड़ी आ गई, चल बाय 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 बाय। भाई ये क्या है, ये यही खड़ा रहता है। उसे बोला कर ज्वाइन कर ले। हाँ? ऐसे रोड पर ना मिला करे, वरना एक दिन पिट जाएगा। अरे इस लफड़े में क्यों पड़ना है, छोड़ना हमें क्या? मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, लव हो जाता। हाँ? है।
लव, वो एक दूसरे से प्यार कुछ भी, उनकी मदद करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्यार हो जाता है यार, क्या कर सकते हैं। प्यार पैसे से होता है, फिर हमारी बैंड बच जाती है। ए, हाँ मौनी को आकर मिलने के लिए बोल। क्यों भाई? अरे उसकी जॉब के लिए। जॉब के लिए? हम्म, अरे फिर सैलरी भी देनी होगी। ये लो चाबी। ₹15,000 दे रहा हूं। थैंक यू। माँ बाप का नाम और एड्रेस लिख दो। मेरा गांव भी रामपुर है। सच में? तुम्हारे खेतों में पापा काम करते थे, माँ अब भी वहीं रहती है। अब तुम अच्छा काम कर रहे हो। किसी को बोलोगे तो नहीं ना? डांस वंस मेरे घर वाले नहीं समझते, सॉफ्टवेयर जॉब करी हूं ऐसा बोला है मैंने। सही है, अच्छा किया, यही बोलना चाहिए था। प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? वीडियो मत बनाना हा? और गांव में किसी को दिखाना मत। वीडियो के बिना पब्लिसिटी कैसे होगी? हाँ रहने देते हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है तुम्हारी मर्जी, नहीं बनाएंगे। डांस करते वक्त टच करना वगैरह तो नहीं होगा ना? डांस में टच तो करना पड़ता है। मुझे पसंद नहीं है, 2 फीट की दूरी रखनी होगी। ठीक है, ओके। थैंक्स। ए मोनी, जरा संभल के। मेहनत की पहली कमाई, मस्त काम करूंगी, मस्त करूंगी, तुम देखते रहना। विनर विनर हो, चिकन डिनर हो, डांसर डांसर हो। सॉरी मोनी, मैंने 2 फीट की दूरी रखने को कहा था ना? हाँ तभी मैंने डांस के लिए हाँ कहा था, तुमने भी ठीक है कहा था। गलती हो गई मुझसे, फिर से नहीं होगा। सॉरी मोनी।
भाई लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो गई। बली को कॉल करना कहाँ है? ये सनी एक फोटो लेना। हाँ लेता हूँ। मॉनी हाय। हाय। रॉकी वहाँ। ए मॉनी। क्या हुआ? ये रखो। अरे नहीं 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 चाहिए। रखो, ये जगह थोड़ी सी महंगी है। नहीं चाहिए। अरे अभी रख लो, बाद में लौटा देना। मैंने कभी अपने फ्रेंड्स को पार्टी नहीं दी। बर्थडे की पार्टी ली, जॉब की पार्टी ली, फ्रेंड की पार्टी ली, बहुत पार्टीज ली। पहली बार मैं पार्टी दूंगी। अच्छा लग रहा है, और ये सब तुम्हारी वजह से। अरे थैंक्स। ऐसा कुछ नहीं है, चलो चलते हैं। ए धीरू, चला जा। हे मॉनी, कम फास्ट, लेट्स गो गाइस, फिफ्थ फ्लोर। हे रॉकी, माय बॉस। हाय। हाय। ए बॉस नहीं, पार्टनर। हाय। वो टिल्लू। हाय। लिफ्ट आ गई। Woo! Cheers! हमारी मौनी को जॉब मिलने की खुशी में cheers! Yeah! और तुम्हारे बॉस के लिए भी, sorry, पार्टनर के लिए भी cheers! Cheers! Hey मौनी, let's dance! चलो! Hey सनी, चल! चलना भाई, तुम लोग जाओ, पूरा दिन डांस करके थक गया हूँ। ठीक है भाई, मैं डांस करके आता हूँ। कहाँ तक पढ़े हो भाई? मैंने डिग्री की है। ओह, बिजनेस पार्टनर है या कुछ और है? ये जुम्बा क्या है, बड़ा बिजनेस है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही छोटे से शुरू किया था, एक्सपैंड हो रहा है। एक्चुअली मोनी के आने के बाद 100 लोगों ने ज्वाइन किया है। हमारे एरिया में हमारा जुम्बा सेंटर एकदम फेमस हो गया है। कितना कमा लेते हो? ठीक ठाक कमा लेते हैं, खुश है हम लोग। 2-3 महीनों में 10 लाख रुपए जमा करके एक बड़ा सेंटर खोलने का प्लान है हमारा। मौनी के बिना खोलोगे? मेरा मतलब है, मौनी के बिना क्या तुम 15 लाख इन्वेस्ट कर पाओगे? पर मौनी क्यों नहीं होगी? मौनी ने घर पर क्या बताया? क्या घर वालों को पता है? नहीं पता है ना। अगर उन्हें पता चल गया तो क्या वो उसे 1 मिनट भी रहने देंगे? वो लोग कौन है पता है तुम्हें? बहुत बड़े लोग हैं, तुम जैसे लोगों को घर पर भी नहीं आने देते। देखो तुम बुरा मत मानो, कुछ गलत मत समझना, लाखों की बात कर रहे हो, लाइफ की बात कर रहे हो, थोड़ा रियलिटी में रहोगे तो बचे रहोगे बस। एक लड़की है और वो फ्रेंड है, लव का आइडिया तो भूल ही जाओ। यहाँ शहर में डिनर और डांस तक तो बात ठीक है, पर गांव में वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगी, तुम्हारी परछाई से भी दूर रहेगी। मिनिमम 2 फीट डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर दूसरी जॉब मिल गई ना उसको, यूं चली जाएगी ब्रदर, आई गारंटी यू। और वैसे भी ये बिजनेस में क्या रखा है ब्रदर, तुम लोगों को एक गवर्नमेंट जॉब तो मिल ही जाएगी, वहां काम भी आसान होगा। अप डाउन लेफ्ट, क्या कर रहे हो यार, ठीक से करो, कम ऑन। अरे मैडम कितनी बार बोलूं आपको, थोड़ा जोर लगा के, कम ऑन। भैया आपका फोन है भैया। हाँ ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मौनी आते ही स्टार्ट करेंगे। भाई एक मिनट, ए तुझे काम नहीं आता क्या? मौनी नहीं आएगी तो नहीं होगा, तू करवाना, वो हमेशा रहेगी क्या? हाय, क्या हुआ? बहुत सीरियस हो, लेट हो गई इसलिए? रात को बहुत डांस किया ना?
थक गई थी, आंख नहीं खुली, सॉरी। नए सेंटर के लिए एडवांस देना है ना, उसी टेंशन में हो। कंफर्म हो गया? नहीं, ये सिर्फ टोकन के लिए। मैं नहीं देख सकती। मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। शाम को गांव जा रहा हूँ, एक जरूरी काम है। गांव में त्योहार है ना, मैं भी जाऊंगी। ठीक है, जाओ। कैसी हो गंगा? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ ठीक हो ना? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन तुम कैसी हो? अच्छी हूँ, शहर जाके बहुत होशियार हो गए हो। अच्छा बताओ माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ गांव के स्कूल में सारे बच्चों को अच्छा, पढ़ा रही होगी बेटा। ये पकड़ो, मैं जाके आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? माँ, माँ, चलो। अरे तू कब आया बेटा? मैं अभी आया, तुम चलो ना। अरे मेरा काम है, मैं बाद में आती हूँ। अरे ये संभाल लेगी ना, तुम चलो। आजा। अरे अरे आओ तो ना, बात करनी है। आओ, चलो चलो चलो। कहाँ ले जा रहा है? क्या हुआ, कुछ बताता क्यों नहीं? माँ। हाँ। अपने खेत बेच देते हैं माँ। क्या कहा? अरे माँ, माँ ना? अरे बैठना माँ। मैं नहीं बैठूंगी। अरे माँ, माँ मेरी बात तो सुन। रुक जाओ। माँ मैं क्या कह रहा हूँ? अरे माँ, क्या कहा तूने? माँ मार मत, क्या कहा? खेत बेच देगा? माँ क्या कहा? माँ बाइक पे बैठना। नहीं बैठना है मुझे तेरी बाइक पर। माँ कहाँ जा रही है? माँ बाइक पे बैठना। नहीं बाहर जा ऐसे। ये भी ना मानेगी नहीं। नहीं माँ, माँ। अरे माँ कैसा है? बाद में मिलता हूँ। बेटा तुम्हारे लिए चिकन बनाई है। जैसे चिकन दे रही हो ना, वो खेत बेचने की बात कर रहा है। क्या कहा? हाँ। खेत बेचेगा? ला मेरा चिकन दे दे, तुझे चिकन उकन कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए। चल निकल यहाँ से। मामा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कैसा है तू? रॉकी आते ही भाग कर आ गया, बड़ा प्यार है ना उससे। अरे तुम्हें तो पता है ना पुलिस वालों की जिंदगी। मामा बैठा। अरे मैंने नरेश से उस जमीन के बारे में बात की है। मैंने नरेश को फोन करके बोला है, सुना आजकल बहुत ज्यादा जमीनें खरीद रहा है वो। क्या कहा तुमने? जमीन बेचने का फैसला कर लिया? वो भी उस नरेश को? दीदी, मैं मर जाऊंगी पर ऐसा नहीं होने दूंगी। जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से तुम लोग। दीदी बात तो सुनो, दीदी सुनो तो मेरी बात। दीदी, माँ, दीदी आ गई। तुम्हें देखे कितने दिन हो गए थे। मौनी, माँ कैसी है बेटी? मैं ठीक हूँ। ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? सब कुछ तो ठीक ही है, तुम चुपचाप बैठो। ए, दीदी अरे मेरे लिए क्या लाई हो? नाश्ता तैयार करती हूँ, तू जल्दी से आ। आ छोड़ो, कपड़े बदल कर आना। माँ माँ, दीदी हाँ? मेरे लिए जीन्स लाई है, जरा देखो इसे। क्या है नानी, आपके अच्छी लिए साड़ी है? कितने की है ये देखो, पसंद आई? बहुत प्यारी है, इसे अंदर रखते। तू नाश्ता कर, बहुत अच्छी चटनी बनाई है, तुझे बहुत पसंद आएगी। अरे मौनी बेटी कैसी है तू? कब आई बेटी, फोन भी नहीं किया। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। जरा रुकिए पापा। क्या बात है बेटी? मेरी 3 महीने की सैलरी के पैसे लीजिए। बहुत खुशी हुई बेटी। माँ मेरी बेटी को देखा आपने, इसने मुझे पैसे दिए। अच्छी बात है। ए मौनी, मामा याद कर रहे थे, मिलकर आना। चली जाऊंगी। हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा। हर कोई ताने देता है, कुछ भी करके हमें जीतना है। मुझे अपने आप पे भरोसा है, तुम मेरी बात तो सुनो। सब लोग ताने मारते हैं माँ। हमें कौन ताने नहीं मारता, कोई नई बात बता रहा है क्या? लोगों के ताने सुनेंगे तो जो हाथ में है वो भी गंवा देंगे। एक बार जमीन बिक गई तो वापस नहीं खरीद सकेंगे, वो हमारी ताकत है। क्या हो जाएगा, जमीन जाती है तो जाने दो। जीरो है हम, जीरो से शुरू किया था वहीं खत्म हो जाएंगे। आज तक यही तो करते आए हैं ना, मुझे जीरो से आगे बढ़ना है। मान जाओ माँ। हाँ क्या कहती हो?
वो नरेश नहीं मानेगा बेटा। देख लेंगे क्या बोलता है। ठीक है, तेरी मर्जी। देख, अपनी जमीन 10 लाख से कम में नहीं जानी चाहिए। दो दिन समझ गया ना? ठीक है जी। ठीक से बात करना, ध्यान से। कौन हो तुम? सर से मिलना। सर, आपसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है? नमस्ते। क्या रे, राज का बेटा है ना तू? हाँ सर। करता क्या है आजकल? जुम्बा सेंटर है सर। हाँ, शहर में डांस क्लासेस चलाता हूँ सर। तो आजकल लोग डांस सीखने के लिए भी पैसे दे रहे हैं? अरे, कल तक गलियों में नाचता था ये, अब जुम्बा डांस सिखा रहा है। हाँ, जमीन कितनी है? आधी एकड़ है सर। कितना सोचा है? 15 बोल दे। 10 सर। 10 तो मुश्किल है, 5 हो तो बोलो, देखता हूं। चलते हैं यहां से। पार्टी कौन है सर? क्या पार्टी कौन है सर? मैं ही हूं। हीरो की बात करना। क्या रे, बहुत नाटक कर रहा है तू? चलते हैं यहां से। 100 एकड़ बेचने पर 5 करोड़ आते हैं, उसमें से 5-10 इधर उधर बात कर सकते हैं। तू आधा एकड़ बेच रहा है तो मेरे अलावा गांव में खरीदेगा कौन? देख भाई, हमारी एक ही जबान है। तेरा बाप यहां मेरे पास ईमानदारी से काम करता था, भूल गया क्या? हे, डांस करने वाला है तू, तुझे ये धंधा समझ में नहीं आएगा, समझा? इससे कहो जाकर डांस सिखाए। जी। चल डाल। अरे फेंकना। ए तू डालना। अरे वो देख मौनी। ए आउट नहीं है, वापस डाल तू। आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। हाँ चीटिंग। ए बोला आउट नहीं है तो वापस डालना। क्या चीटिंग करता है? अरे डाल। क्या हुआ? पीछे देख। पीछे देख जरा। टीचर जी हैं क्या? माँ। कौन है ये? अरे माँ को मिलने के लिए आया। कौन है? कौन हो तुम बेटी? विजय जी की बेटी हूँ। आओ ना बेटी। अरे ये तो विजय की बेटी है, यहाँ पर क्यों आई है? मुझे क्या पता। बैठो बेटी, आ जाओ। क्या हुआ बेटी, कैसे आना हुआ? मेरी बहन है ना आंटी रमा। हाँ? वो ना थोड़ी वीक है, बहुत मिट्टी खाती है। मैंने सोचा आपसे आयरन टैबलेट्स ले लूं। अच्छा अच्छा, स्कूल बंद है ना इसलिए यहाँ आ गई। ये लो बेटा, अच्छा किया तुम यहाँ आ गई। अरे रॉकी बेटा। हाँ माँ। रॉकी बुला रही तेरे को। अरे जरा यहाँ ना, ये मेरा बेटा है, जुम्बा सेंटर खोला है हैदराबाद में। रेवन जुम्बा सेंटर पूछोगी तो सबको पता है वहाँ। ए बैठना, स्टॉक में है या नहीं मैं देख कर आती हूँ। मेरे मामा के घर क्यों आए थे? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? पता है ना कितना खतरा है। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या हुआ? मीठा खाओगी? मीठा? हाँ माँ, वो लड्डू लेकर आना। अरे बेटा, वो नरेश जमीन का सही रेट नहीं दे रहा है क्या? हैं? अरे मैं तो कहती हूँ उसके मुंह में कीड़े पड़ेंगे, और तू उसके पास गया है क्यों बताना मुझे? पैसे नहीं देगा तो काम कैसे होगा? अरे नानी, पैर पड़ता हूँ, मुंह बंद करो, अंदर जा। ये लड़की कौन है? धीरे बात कर। ये लड़की कौन है? मैं बाद में बताता हूँ, तू पहले अंदर जा। पता नहीं क्या नाटक करता रहता है, पता नहीं कौन है ये लड़की। अंदर जा। मेरी नानी है। तुम जमीन बेच रहे हो? और कोई रास्ता नहीं है, जमीन बेचे बिना काम नहीं हो पाएगा।
वो लड़की कौन है? अरे आप चलो मैं बताती हूँ। ये लो बेटा, रुको रुको, ये खा लो। लो, नहीं नहीं रहने दीजिए। लो लो खा लो, मेरी माँ बहुत अच्छे बनाती है। खा लो बेटा, खाओ खाओ। चलती हूँ। ठीक है बेटा। अगर तू इस लड़की से शादी करेगा तो मैं शादी में कान के झुमके दूंगी। वो लड़की कौन है पता है? हाँ? विजय की बेटी अरे है। उसकी किस्मत कितनी खराब है कि उसके घर में पैदा हुई। अंदर जाना नहीं। चल। अरे जल्दी कर, जल्दी कर। ले जा रहा हूँ। ऐसे काम करेगा तो काम खत्म कैसे होगा? यार भूल तो गई ना, रजिस्ट्रेशन रखवा लो भाई। और रेट वगैरह भी आप ही देख लेना, आपके बिना वरना बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी। अरे मौनी कैसी हो बेटा? मौनी हाय। अरे तू कब आई? कल ही तो आई। अच्छा। ए मौनी कैसी है बेटी? काम अच्छा चल रहा है ना? हाँ। तू चाय पिएगी? हाँ ठीक ठीक है, मैं लेके आती हूँ। मेरे लिए क्या लेकर आई? चलते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। मेरे लिए कुछ नहीं लाई? जॉब कैसे चल रही है? सैलरी कितनी मिलती है? 10,000। नया सॉफ्टवेयर सीख लूंगी तो 25 कर देंगे, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा है। कौन सा सॉफ्टवेयर दीदी? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके ओके। पर ट्रेनिंग में 1,00,000 रुपए खर्च होंगे। ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? मेरी फीस है उतनी। हाँ पापा सही कह रही है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। इस बार खेती में अच्छे पैसे आए ना, हमारे हिस्से में से 1,00,000 रुपए अगर। क्या कहा? मुझे हमारे हिस्से में से 1,00,000 रुपए चाहिए। मुझे जरूरत है उन पैसों की। ठीक है दीदी, टेंशन मत लो। ऐसा करो तुम अंदर आओ। पापा है ना, तुम फिक्र मत करो। चलो जाओ जाओ, बात करो, जाओ ना। अंदर आओ। क्या रे, मेरा हिस्सा तेरा हिस्सा क्या बोल रही है? हाँ क्या है ये सब? तेरे बाप ने क्या गलती की थी पता है ना? जवाब दे। चल बैठ, हिसाब चाहिए ना तुझे, बैठ बैठ ना। क्या हुआ दीदी? मनी क्या हो गया, फिर से चक्कर आया क्या तुझे? जाकर कोई पानी लेकर आओ। क्या हुआ, क्या हुआ आपको ऐसे अचानक? लो बेटा पानी पियो। डॉक्टरों पे पैसा पानी की तरह बहा दिया, पर इसकी बीमारी ठीक होती ही नहीं। मौनी क्या हुआ बेटी? मौनी मौनी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मौनी तुझसे ही बात कर रही हूँ। मौनी मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ तुझे, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाने दो, हटो। तू कहाँ जा रही है बेटी? मौनी 2 दिनों के बाद त्योहार है, कहाँ जा रही है तू? क्या हुआ, क्या उसने पैसे नहीं दिए? बहुत अच्छा बेटा पैदा किया है। देखा कैसे जुबान चला रही है, वो जो भी करता है ना तुम्हारी भलाई के लिए। तेरी शादी कहाँ होगी ये वही तय करेगा, तेरे बाप से कुछ नहीं होगा। उससे तो अच्छा है मैं मर जाऊँ। मोनी ये क्या बोले जा रही है तू? दीदी इतनी जल्दी जा रही हो तुम? तू अच्छे से पढ़ाई करना, संभल कर रहना।
अगर उन्होंने पैसे दिए तो लेना मत, मैं हर महीने भेजूंगी। ये रखो मोनी, ध्यान से जाना। हाँ ठीक है, बाय। आज 10 मिनट का स्टॉप है, चाय नाश्ता करें, जल्दी कर लो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तुम यहाँ कैसे फॉलो कर रहे हो? और क्या, फोन नहीं किया, कहाँ जा रही हो पता नहीं, डर नहीं लगेगा? वापस जा रही हूँ। गांव में नहीं रहना? झगड़ा हो गया इसलिए। क्या हुआ मौनी? कुछ नहीं हुआ। अरे क्या हुआ? पैसे मांगे थे अपने जुम्बा सेंटर के लिए, मामा ने मना कर दिया। तुमने मेरे लिए झगड़ा किया? तुम्हारी जमीन भी तो बिकने नहीं दे रहे, मुझे लगा था मुझे पैसे दे देंगे पर नहीं दिए। ये लो देखो ना। क्या ये? ये मेरा है, पता है पापा ने मेरी शादी के लिए बनवाए थे। अरे मौनी ये नहीं चाहिए मुझे। इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? तुम पागल हो गई हो क्या मौनी? नहीं चाहिए, जुम्बा सेंटर से बड़ी कोई चीज नहीं है मेरे लिए। इन्हें बेचकर कम से कम एडवांस के पैसे मिल जाएंगे। ठीक है तुम रखो, जरूरत पड़ी तो मांग लूंगा। ए मौनी, तुम और तुम्हारे घर वालों के बीच में बहुत फर्क है। तुम्हारे मामा अच्छे इंसान नहीं है। वो पूरा सनकी है, लुच्चा लफंगा लोफर गुंडा। लोफर लतखोर, उसकी जिंदगी पर लानत है। थू, उसके ना टुकड़े टुकड़े करके कौओं को खिलाकर उनका पेट भरना चाहिए। मिट्टी में मिल जाए कीड़े पड़े उसे, उसका नाश हो जाना चाहिए। और क्या हुआ मौनी? एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अभी के अभी कपड़े चेंज करने होंगे। तुम्हारा बैग कहाँ है? बस में है। यहीं रुको, मैं लेके आता। ठीक है सर, ओके सर, ओके। बोलिए भाई, एक रूम चाहिए अर्जेंट। सिंगल चाहिए कि डबल? सिंगल। अच्छा, आईडी प्रूफ दीजिए। सैनिटरी पैड मिलेगा क्या? हाँ हाँ हाँ, ओके। रूम ले लिया, तुम चेंज करो। बस नहीं रुकी मौनी, पता नहीं अगली कब आएगी। बाइक पर चलें क्या? नहीं नहीं, दूसरी बस आएगी ना उससे चली जाऊंगी। बस स्टैंड तक चलना पड़ेगा इतनी रात को, तुम बाइक पर बैठो ना। वो क्या है ना कि मुझे बाइक पर डर लगता है, बाइक पर बैठना, झूले पर चढ़ना, इन सब से मुझे चक्कर आता है। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझ में ही प्रॉब्लम है। तुम्हारे साथ तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ, है ना? तुम्हें जाना है तो जाओ। अरे नहीं, मैं रुकता हूं ना। दादा दादा दादा, एक एक सी। हाँ ठीक है, आ जाओ मौनी, जाओ। मौनी ये ना, मैं फॉलो करता हूं।
हाँ हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। नमस्ते नरेश। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते, बाद में कॉल करता हूँ। कैसे हुआ? मैं ठीक हूँ। बात यह है कि कल मैं रामपुर हाईवे पर था तो मुझे होटल में मौनी नजर आई। रात के कुछ 10:30 बज रहे थे। वहाँ पर वो अकेली क्या कर रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैसे भी अच्छे दिन नहीं चल रहे भाई, सोचा ये बात मैं खुद आकर आपको बताऊं। क्या कहा? ब्रिज पार करने के लिए आए हो क्या? अरे नहीं तो, पर ऐसा क्यों? देखो भाई, दो लवर्स मिलके अगर ब्रिज पार करेंगे ना तो उनका प्यार सक्सेस होगा और वो हमेशा एक साथ ही रहेंगे। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? बाय भैया, बेवकूफ समझा। कुछ भी पट्टी पढ़ाओगे? अरे पट्टी नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, कौशिक भाई ने यही किया था। उनकी प्रेमिका जो थी उनका नाम था भानुमती, उन्होंने ये रिस्क उठाया था। उन्हीं के प्यार के याद में ये ब्रिज बना हुआ है। जैसे कौशिक और भानुमती का लव सक्सेस है ना, वैसे ही जो भी कपल इस ब्रिज को पार करेगा ना उसका लव सक्सेस हो जाएगा। देखा, लोग किसी पर भी विश्वास कर लेते। तो करने दो, हमारा क्या जाता है? उसका स्टेटस क्या है, वो क्या कर रहा है? क्या बोल रहे हो तुम? किस जमाने की बात कर रहे हो? कितने लोग इंटर कास्ट शादी करते हैं? शादी के बाद देखना होता है ना। क्या देखना होता है? अच्छा है या बुरा है, जॉब करता है या नहीं करता है, उसे पसंद करता है या नहीं करता है, इसके अलावा क्या देखना है? बस इतना ही। घर में इतनी औरतें हैं, क्या कर रही हो सबकी सब? पता था ना आज त्योहार है, तो फिर क्यों गई बाहर? कुछ नहीं भैया, नया जॉब है ना, इसीलिए चली गई। अरे नहीं, झगड़ा करके गई है, तुझसे मिलने आई थी ना, बहुत बकबक कर रही थी, गालियां दे रही थी। बच्ची है भैया, वो कुछ पता नहीं है, यूं ही कह गई। मैं ऐसे ही फिक्र नहीं कर रहा हूँ, इज्जत का सवाल है। फोन करो उसे, पूछो कहाँ है। कहा ना फोन करो। वो सीधे शहर नहीं गई, किसी होटल में चंद्रशेखर को दिखी है। कहाँ रहूंगी? रूम में हूँ। वही तो, रूम पे कब पहुँची? सुबह पहुँची। क्यों सुबह? कब निकली थी यहाँ से? रात को कहाँ थी? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अनीता को मैं फोन करती तो बुरा लगता, कम से कम फोन करके बताती तो। माँ क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? मामा से पैसे मांगने के लिए मना किया तो चिल्ला रही हो। माँ सुनो, बस का वेट कर रही थी, इतने में डेट आ गई, चेंज करने के लिए होटल में रुकी थी, उतने में बस छूट गई। क्या हुआ, अकल नहीं है क्या? पहले ही देख लेना चाहिए था। पता है ना जमाना कितना खराब है। सुन, कोई चक्कर होगा। पता लगाता हूँ ना माँ, एसआई को बोल रखा है होटल में पूछताछ करने के लिए। ये क्या चक्कर है, पता लगाता हूँ। हे सर, जा चाय लेके आ। जी सर। अच्छा सुनो, गाड़ी में डीजल है क्या? जाके भरवा के लाओ। जी। अरे सुनो सर, रजिस्टर बुक दिखाओ। ये लीजिए। जाओ अपना काम करो। ठीक है सर। सर रूम तो नहीं लिया था सर, सीसीटीवी फुटेज भी पूरा चेक किया। शायद रेस्टोरेंट आई हो, या फिर हो सकता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली हो। ठीक है, ये बात किसी से कहना मत। ठीक है सर। लड़की है। हाँ। बदनामी हो जाएगी। सर चलता हूँ सर। कुछ तो गड़बड़ है। मैं देखता हूँ ना। ये ले, ये कार्ड उसके रूम में मिला, यहीं काम करती होगी। भाभी को बताना मत। उस विजय की बेटी के साथ होटल गया था, जान प्यारी नहीं है क्या? ये बात तुम्हें कैसे पता चली? उस होटल में जाके इंक्वायरी करने के लिए उसके मामा ने कहा था, सीसीटीवी फुटेज में मैंने तुम्हें देखा, किसी तरह से मैंने उन्हें मैनेज किया। वैसे उस लड़की को कैसे जानता है? रॉकी ये मौनी आओ, मेरे मामा है गांव में, ऐसा है इन्हें बता दिया है, बहुत क्लोज है मुझसे। यहां रखती हूं, मैं बाद में आती हूं। क्या है ये सब?
मेरे जुम्बा सेंटर में नौकरी करती है, बस इतनी सी बात है, बगल में रहती है। अगर तुम दोनों को देख लिया ना तो उसका मामा जिंदा नहीं छोड़ेगा, निकाल दे उसे, नहीं तो वो आपस में तो ठीक रहेंगे, बीच में तू मरेगा। मेरी बात मान ले। गांव में उसने जमीन तो बेचने दी नहीं, अब शहर में क्या, उसके बाप की जागीर है क्या? जो करना है करने दो, मैं भी देखता हूं क्या कर लेगा। मां को पता है क्या? हाँ, उससे दूर रह, मेरी बात मान ले। पता है इसे क्या होगा? क्या हुआ? उस लड़की को भी समझा कि वो तुझसे दूर रहे, बात घुसी भेजे में। यही मेरी जिंदगी है, अब क्या करें? तुम ही बताओ, जाने को मत बोलना वरना मार डालूंगी। उस बल्ली के पास 5,000 में नौकरी करो ना। हाँ, अरे पागल हो गए हो क्या? अब मैं डांस नहीं छोड़ूंगी, सोच लिया चाहे जो हो। डांस छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ मौनी, आइडिया बता रहा हूँ। सुनो, घर पे पूछेंगे क्या जॉब करी हो तो जवाब देना होगा, मॉर्निंग इवनिंग जुम्बा करो, बीच में जॉब, ठीक है ना? हाँ, क्यों? थोड़ा मुश्किल है मौनी, पर क्या करें? डर के जीने से ज्यादा मुश्किल और कुछ नहीं होता रॉकी। मेरी लाइफ ऐसी ही है, डर में ही बीतेगी। कुछ नहीं होगा मौनी, मैं हूं ना। हाँ, जरा सा एडजस्ट करना है बस, हम जल्दी फेमस होके बहुत पैसे कमाएंगे, फिर तुम खुद सबको बताना, सबका मुंह बंद कर देना। हाँ, एक्सक्यूज मी सर। या मोनिका। ओ यस, प्लीज सिट। मौनी, तुम यहाँ कैसे? पहले तुम बताओ ऑफिस कैसा था? मुझसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा मौनी, 5 बजे तक जॉब करनी है फिर जुम्बा। हाँ, ये जमीन के पेपर्स हैं सर, और ये एप्लीकेशन है। माँ मान गई क्या? उसे तो मानना ही था। वेरी गुड, तुम्हें जरूर लोन मिलेगा, मैं करवाऊंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो, वहाँ मौनी है क्या? मोनिका फोन, तुम्हारे मामा है, बात करोगी? नहीं सर, वो इस वक्त बहुत बिजी है। अच्छा, उससे कहना मैंने फोन किया था। ठीक है। मौनी पार्टनर है ना, तो अग्रीमेंट। कॉम्रेड्स यार, सुपर। ए, क्या साइन कर रही है? तो चुप कर ना। अरे वाह 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 वाह। हेलो, हाँ ठीक है मामा, मौनी माँ आ गई है, तुम लोग जाओ, मैं उसे लेकर आता। ठीक है, कोई बात नहीं। धीरू तू यहाँ पे संभाल, मैं बस अभी आता हूँ। तू जा। हाँ। ए, हम लोग यहाँ क्यों आए? अरे क्या हो रहा है ये? Why are we here? तुम जरा चुप बैठोगे क्या? रॉकी, कैसा है? माँ, आओ ना। ए, माँ आंखें बंद करो। क्या है? अरे तुम आंखें तो बंद करो। अरे करो ना, मैं बताता हूँ, बंद है ना? खोलनी हो तो बताना। ओके आ गए। खोलू क्या? हाँ अभी खोलो, खोलो। माँ माँ ये देखो, देखो रेवन फिटनेस सेंटर। बहुत अच्छा है। मामा यहाँ आओ ना। हाँ ये फोटो लो, फोटो लो। हाँ हाँ बहुत बड़ा। माँ कट करो ना। सर सर ऑन कीजिए ना, प्ले कीजिए। हम्म।
अच्छा है ना बड़ी जगह है। क्या हो रहा है ये सब? थैंक यू। ए क्या है ये सब? क्या कर रहा है? तुझे समझ में आ रहा है क्या? अरे रॉकी जरा इधर तो आओ। अभी आया। जल्दी आओ। ए ए कहाँ जा रही हो? देखने जा रही हूँ। ये हमारा नहीं है। ये क्या, आधी एकड़ जमीन में बस इतना ही मिला क्या? ये अपना गांव नहीं है, हैदराबाद है, इतना ही मिलता है यहाँ। माँ, मामा को काम है, वो जल्दी जाने वाले हैं, तुम उन्हीं के साथ जाओ ना। बस में कहाँ जाओगी मामा? हाँ क्या हुआ? माँ आपके साथ आएगी, ले जाना। ठीक है ठीक है, हाँ चलिए ना दीदी। माँ अच्छे से जाना। हाँ, खाना ठीक से। स्वामी अच्छा चलती हूँ। Anyone can be anything. Correct ही है। अच्छा लिखा है। बहुत खुश हो, चेहरा चमक रहा है। लाइट बंद कर दूं क्या? हमारा है। पता है मेरा बचपन कैसा बीता है? फटी थैली का बैग, खटारा साइकिल, पिता का दिन रात खेतों में काम करना। उनके मरने के बाद सब कुछ मेरी मां ही थी। मां ने बहुत मेहनत की है। बचपन में मेरा क्या सपना था बताऊंगा तो हंस दोगी। मुझे मां को बड़े सुपरमार्केट में ले जाना था और कहना था, मां तुम्हें जो पसंद है बिना कीमत देखे ले लो। आज मेरी मां का चेहरा देखकर इतना बड़ा सेंटर इतनी जल्दी खोलूंगा सोचा नहीं था। तुम्हारी वजह से हुआ। लगता है तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। हम पार्टनर्स बनेंगे, ये सेंटर खोलेंगे। तुमने उस दिन वो डांस किया था ना बारिश में, उसी दिन पता चल गया था मुझे। डांस करें क्या? शहर में कुछ काम था इसीलिए वो आए हैं। ये हमारी जिंदगी में क्यों है माँ? यूं ही तुमसे मिलकर चले जाएंगे, एक बार मिल लेना। क्या हो जाएगा? पंचायती क्यों करती है? पंचायती का क्या है, ये मेरी लाइफ है,
मेरी जिंदगी मुझे जीने क्यों नहीं दे रहे? मेरी फिक्र पापा को करनी चाहिए, लेकिन ये कौन होते हैं माँ? मोनी आने दो, बताती हूँ, आने दो, अब मैं नहीं डरती। हेलो मोनी। हे, कहाँ हो? बिल सेटल करने के लिए टेंट हाउस जा रहा हूँ। अभी मेरे रूम पर आ सकते हो? तुम्हें एक बात बतानी है, प्लीज आ जाओ। मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है, आता हूँ। हाँ, आता। भाई, आधा किलो बैठे। हाँ, दे रहा हूँ। सर, क्या हुआ? सर, गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई है सर। अरे, कितना टाइम लगेगा? जल्दी करो। अरे, तो कहाँ थी? कब से इंतजार कर रही थी? करना मैं जा रही हूँ, रहने दो। और कितना टाइम लगेगा? थोड़ा टाइम लगेगा सर। जल्दी करो यार। जो जल्दी करो, निकलो यहाँ से। देर हो रही है, चलो ना। कितने हुए? अच्छा, तो यहीं रहती हो तुम? हाँ मौनी, मौनी। हाँ, ये लो पैसे। क्या हुआ भाई, यहाँ कैसे? मौनी के पास नहीं गए क्या? उसके मामा आ गए यार। भाई, तो हम पिक्चर देखाते हैं, टिकट्स हैं। चलो ना भैया, प्लीज। ए, चल चल। मौनी, क्या हुआ? इतना डर क्यों रही हो? मौनी, दरवाजा खोलो बेटा। हे मौनी, नाटक कर रही है क्या? हे मोनी, मुझसे मुंह मोड़ के तुम लोग कैसे जियोगे? मौनी, मौनी कहाँ है? मौनी, दरवाजा खुला रख के सो गई थी। बाहर कोई है क्या? मैं हूं, और कौन होगा? यार, नाइट शिफ्ट मुझसे नहीं होगा। मेरे लिए थोड़ी चाय बनाएगी क्या? हाँ, बनाती हूँ। क्या हुआ है तुझे? क्या हुआ बोल? कुछ नहीं हुआ। ये लो, तुम्हारे नए सेंटर की चाबी। क्या हुआ तुम्हें? अब मैं नहीं लौटूंगी, सब खत्म। घर में पता चल गया क्या? मुझे तुम्हारे साथ काम करना पसंद नहीं। हे, मजाक कर रही हो? नया सेंटर ले लिया तो मेरी जरूरत खत्म हो गई, तो जाओ। क्या कह रही हो मौनी, हुआ क्या है? सच बोल रही हूँ मैं। मासूम बनने का नाटक मत करो। रात को खाने पर बुलाया था ना, तुमने कहा था आओगे, क्यों नहीं आए फिर? हाँ,
मूवी देखने गए थे ना मोनी, तुम्हारे मामा वहाँ। मेरे आने के बाद लोग बढ़ गए, नया सेंटर ले लिया, मेरी जरूरत खत्म हो गई, इसलिए अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना। बलि ने कहा भी था, मुझ में ही अकल नहीं थी। तुम सब ऐसे ही होते हो, तुम पर भरोसा करना ही बेकार है। हम सब मतलब ये लो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारी जरूरत नहीं है, कल से आना भी मत, मैं अकेला ही ठीक हूं। बहुत अच्छा हुआ, पहले ही समझ में आ गया तुम्हारे बारे में। थैंक्स हाँ, बहुत जल्दी रंग दिखाया। तुमसे अच्छे तो तुम्हारे मामा है, पहले ही रास्ते पर खड़ा करके बात करते हैं, क्लियर हो जाता है हम कहां तुम कहां। आज तुमने भी वही बात की, चलो अच्छा ही हुआ। नहीं है तुम्हारी जरूरत, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ए भाई क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो जल्दी रेडी करो, क्लास स्टार्ट करना है भाई। संदीप रेडी है क्या? आज की क्लास कैंसिल। अरे पर क्यों, क्या हुआ भाई? भाई सॉरी। और कितनी बार बोलना होगा, माफ कर दो ना मुझे। मैं वैसा बिल्कुल नहीं सोचती, कास्ट वास तो कभी सोचा ही नहीं। रोज कोई ना कोई कहता ही है और हम सुनते ही हैं, पर आप कहेंगी सोचा नहीं था। जिंदगी में पहली बार मैं जीरो से भी छोटा हो गया। गुस्से में निकल गया मुंह से, इतनी बड़ी पनिशमेंट दोगे? एक बार मेरी बात तो सुन लो ना। हमें जरूरत नहीं है मैडम। हमारा तुम्हारा क्या है इसमें? वो तो आप ही ने कहा था ना। मानती हूँ मैंने ही कहा था, जबान फिसल गई थी, सॉरी। तुम्हें बताऊं क्या हुआ था, सुनोगे? हाँ अच्छा थोड़ा सा खा लो, मैंने भी कुछ नहीं खाया है। हाँ खा लो ना, मुंह खोलो। जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हो? हाँ अब बताओ मुझे, क्या फर्क है हमें, बताओ मुझे। तुमसे पूछ रही हूँ।
मौनी, रात को जो हुआ वो बाय मिस्टेक हुआ, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पहले की तरह ही रहेंगे, कोई टेंशन मत लो। वो गलती से नहीं हुआ था, समझा नहीं पा रही हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो, आई लव यू। मुझे तो तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था। ये कहा हंस के क्या यारा, ये मुझको हो गया क्या यारा। यारा तूने मेरी धड़कन को छू लिया, मुझको मिला जो हम सफर तुम सा, तुमसे मेरा है पहले से रिश्ता। ना तुमसे पहले दिल ये मेरा दिल में किस तरह से था धड़का, कि तुमने कैसी जादूगरी अमाई दुनिया बनी मेरी तू है।
भैया आप खाना खा लेना, मुझे कुछ काम है। क्यों जल्दी में? गीता सिंगापुर जा रही है भैया, वेकेशन के लिए। बाय बोलने जाना है मुझे। अकेले जा रही है क्या? नहीं, फैमिली के साथ जा रही है। तो उसे मिलेगा कैसे? वो मेरे लिए वेट करेगी भैया, मैं उसे बाय बोल कर आ जाऊंगा। क्या हुआ? गीता सिंगापुर जा रही है, ये उससे मिलने एयरपोर्ट जा रहा है, मुझे नहीं लगता जाना चाहिए। बाय। बाय दीदी। हाँ। बाय। जाने दो, नहीं रुकेगा, जाए बिना नहीं रह पाएगा। हेलो, हनुमान नगर पुलिस स्टेशन से फोन कर रहा हूँ। रॉकी तुम ही हो ना? यहाँ नेशनल हाईवे पे तुम्हारे फ्रेंड सनी का एक्सीडेंट हो गया है। हा? हनुमान नगर सिटी हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, वहाँ जाओ। कहाँ पे? मैंने पहले ही कहा था शहर मत जा, मेरी बात मानता ही कौन? गांव में रहता तो मेरी आंखों के सामने होता, एक्सीडेंट हुआ है बोल रहे हैं। लेकिन ये सब अंदर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, कुछ उसके बारे में बता भी नहीं रहे, क्या हो रहा है ये? सुनो जाओ, कोई कुछ नहीं, अब प्लीज पंचनामा हो गया, स्टेशन जाकर आप साइन कर देना, बॉडी आपको मिल जाएगी। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। हाँ, आओ यहाँ साइन करो। सर वो गाड़ी किसकी है? तुम्हारे सनी की तो है, वही तो पेड़ से टकराई थी। सर वो उसकी गाड़ी नहीं है सर, कोई छोड़ के गया उसके रूम के सामने, एक हफ्ता हो गया। उसके पास गाड़ी ही नहीं हाँ? है। मेरी बात सुनो, देखो आरसी पेड़ को टक्कर मारी, स्पॉट पे ही मर गया। सर ऐसा कैसे हो सकता है, उसे हाईवे पे जाने की क्या जरूरत है? ए, तू उसका क्या लगता है फ्रेंड? अगर कोई डाउट है तो केस करो। ये लो, बेटे की बॉडी चाहिए ना, तो यहाँ साइन करके ले जाओ। अगर केस किया तो तुम्हें एक गांव से दूसरे गांव ऐसे ही घूमते रहना पड़ेगा। वो तुम्हारी बेटी है, इकलौती लगती है, उसका अच्छे से ख्याल रखो, कोई लव स्टोरी ना बन जाए इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो ऐसा ही कुछ होगा। क्या हुआ, सोए क्यों नहीं? मेरे मामा से बात कर रहा था सनी के बारे में। और तुम? बुरे सपने आ रहे थे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम ऐसे चुप मत रहा करो, कुछ तो बोलो प्लीज, डर लग रहा है। मौनी मैं एक बार गांव जाकर आता हूं,
मां को तुम्हारे बारे में बताता हूं। मां को? पर क्यों, वो मान जाएंगी क्या? अगर नहीं मानी तो? मेरी बात नहीं टालेंगे। बेच कर तनख्वाह देता है, वो भी उस बेचारे की बेटी को, क्या कर रहा है तू? दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे पीठ पीछे जमीन भी गिरवी रख दी ना तूने? मौनी बहुत अच्छी लड़की है। मां अच्छी है? वो कैसे लोग हैं तुझे पता है ना? सेब के पेड़ पर कभी आम नहीं लगते। उसके मामा के बारे में पता है ना तुझे? मां उनसे क्या लेना देना है, मौनी के माता पिता बहुत अच्छे लोग हैं। ओ अच्छा, हाँ ठीक है, तुझे उनके घर ले चलती हूँ। 10,000 की साड़ी पहनूंगी, जाने के बाद देख लेना हमने चप्पल बाहर निकाली कि नहीं, ये नहीं देखेंगे। और अगर हमें अच्छी तरह से बैठा कर बात करेंगी तो ही तेरी शादी करवाऊंगी उससे, नहीं तो भूल जा। क्या माँ तुम भी? मुझे और कुछ नहीं सुनना है, मैं जैसा कह रही हूँ अगर वैसा होगा तो ही तेरी शादी करवाऊंगी, नहीं तो आज के बाद उसका नाम तेरी जुबान पर भी नहीं आना चाहिए। क्या हुआ? क्या बात है टीचर जी? सर नहीं है क्या? हाँ बुलाती हूँ। आपका बेटा है क्या? हाँ जी, शहर में बड़ा डांस सेंटर खोला है इसने। अच्छा कम। क्यों, क्या हुआ, जमीन का सौदा नहीं हुआ? नहीं वो बात नहीं है सर। नरेश ने तुमसे कहा ना, उसने जो कहा वो सही है। अब खड़े क्यों हो, जाओ। टाइम पे आए हो, ये लो मेरे भाई के कपड़े, तुम्हें ठीक आएंगे, नए हैं, बस एक ही बार पहना है। अरे ले लो ना। रॉकी मुझे छोड़ दोगे ना? मौनी क्या कह रही हो, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थोड़ा भी डाउट होता तो तुम्हें मार देती, घर वाले हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। उनके खिलाफ जाकर करें तो? मेरे मामा तो मेरे मरने तक मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे नहीं पता क्या पर कुछ करना होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। चलो चलो चलते हैं। पागल हो गया है क्या तू? प्यार करने से मार डालेंगे क्या, ऐसे डायलॉग बोल रहा था ना? तो अब मैं बोल रहा हूं सुन, मार डालेंगे। शादी करवा दो मामा। क्या बोल रहा है, मैं भी मर जाऊं क्या? अरे तुम एसआई हो ना मामा। एसआई हूं तो क्या हो गया? मामा उस एसआई ने सनी को मार के एक्सीडेंट बता दिया, पूरा हिला के रख दिया। तुम क्या कर रहे हो मामा? कैसी बातें कर रहा है ये, तुम ही इसे समझाओ जरा। हमारी शादी करवा दो। इसके मामा कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास पैसा है, लॉयर है, गुंडे हैं। तुम्हारे पास क्या है? आप है ना मामा। मुझसे नहीं होगा, मुझे छोड़ दे। और कोई रास्ता नहीं है रॉकी, गांव छोड़कर चले जाते हैं, यहां हमारा कोई नहीं। हमारे बारे में किसी को बताना मत, बस इतनी हेल्प कर दो।
कहाँ जाने का डिसाइड किया है? तू भले भी इस लड़की को कहीं भी लेके जा, लेकिन ये तेरे साथ है, इसके मामा को जानने में एक हफ्ता भी नहीं लगेगा। वो चुप बैठेगा क्या? देखो, मैंने बहुत सोचा है। सनी के केस की चार्जशीट पढ़ी है, उन्होंने मर्डर को एक्सीडेंट बना दिया। हमें भी वही करना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। कैसे मामा? देखो, तुम शहर में सेटल हो गए हो और ये लड़की तुम्हें जानती है, ये बात किसी को नहीं पता, तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो। माँ तो किसी भी तरह मान जाएगी, लेकिन मौनी के मामा घर वाले मार देंगे। इसीलिए अगर चाहते हो कि मामा टांग ना अड़ाए तो तुम्हें भागना नहीं है, ये मर चुकी है, ऐसा विश्वास दिलाना है। मैं कुछ समझा नहीं। बताता हूँ, सुनो। अब मौनी अपने घर जाएगी, वहाँ 6 महीने रहेगी, फिर एक दिन एक सुसाइड नोट लिख के अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराएगी और वहाँ से चली आएगी। फिर कहीं भी जाके सेटल हो जाना। अपने चाचा का नाम लिखूंगी, बला टल जाएगी। अरे बाप रे, केस हो जाएगा, फिर तुम दोनों को मुझे पकड़ना होगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं उस ब्रिज पे जाके तुम्हारे पैर की पायल, चुन्नी और चप्पल फेंक दूंगा। लेटर लिख के आना, जीप में बैठा के तुम्हें भेज दूंगा। फिर तुम दोनों शादी करके कहीं चले जाना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये लड़की वापस घर नहीं जा पाएगी। कोई बात नहीं, ठीक है। ये 6 महीने तुम क्या करोगे? वैसे भी दूर ही रहना है, दुबई चला जाता हूँ, थोड़े से पैसे कमा लूंगा और फिर मौनी को भी वहीं बुला लूंगा। अच्छा, तो फिर नाम बदल के पासपोर्ट बनवाना होगा। मौनी का रानी नाम है ना, एम रानी कर देंगे, है ना? तुम एक बार अच्छे से सोच लो, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। पहले मौनी के नाम का एक एड्रेस प्रूफ बनाओ, नए नाम से नोटरी करवाना, उसके बाद आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं, तभी पासपोर्ट मिलेगा। तुमने कहा ना कि तुम दुबई जाओगे, तो एजेंट से मिलकर उस काम में लग जाओ। बट तुम लोग आपस में बात मत करना और बिल्कुल भी टच में मत रहना, और अपने फोन भी कहीं फेंक देना। स्वर्ग सा लगे संग तेरे, यूं ही संग में रहियो, यूं ही सफर करते बदलेंगे वक्त, बस धीरज मन में धरियो। हे, क्या हुआ मोहनी, वापस आ गई क्या? तुझसे नहीं होगा, कहा था ना। यूं ही सफर करते बदलेंगे वक्त, बस धीरज मन में धरियो। ना इंतजार अब करेगी रंगोली, खुशियों में खुली प्रेम चार सूर भोगी ना दूरी सुनियो। होगी पूरी तमन्ना, मंगल में दिन आएगा, खुशियों की धुन नई तुम्हें यार हमें मंत्रों में बांधेगा। अब होगी फूलों सी जिंदगी प्रिय, प्यार से सजी खुशबू से भरी, कुछ ही दिन की तो है बात मोहिया। इंतजार प्रेम का बड़ा ही खास है, प्रेम इससे बढ़ता, हर एक लम्हा जो बीते तन्हा, हर पल में प्रेम रहता। खुशी का भी पल दे जाता यार एक नई जिंदगी। आकाश से बड़े सपने अपने हैं, मेरे पास आने की एक खुशी उड़ता तेरे पास जिंदगी।
बढ़ता। इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन, लोकल एड्रेस कुछ है? कितना टाइम लगेगा सर? लगेगा 1 महीना। कोई डेट चाहिए क्या? कोई भी चलेगी सर। अरे कम से कम अच्छा दिन तो देख लो, शादी है भाई। धीरू मौने से पूछता हूं, शायद उसकी कोई खास डेट हो। हाँ ठीक है सर, मैं अभी आया सर। मामा। हाँ बोलो। मौनी है वहां? हाँ यही है, ये लो चौकी है। हेलो मौनी। मौनी कैसी हो? तुम्हारे बिना कैसी रहूंगी मैं, मर रही हूं, छोड़ गए ना मुझे। मौनी मौनी रो मत प्लीज। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूं मौनी। मौनी हमें शादी करनी होगी। सारे पेपर्स का इंतजाम हो गया है, दुबई जाने से पहले शादी करनी होगी, ठीक है ना? मैं तो इसी का वेट कर रही हूं। रिंग पहनाओगे या मंगलसूत्र? दोनों कर लेंगे, पहले रजिस्ट्रार ऑफिस में साइन करनी है। मौनी कोई खास डेट है क्या, मतलब मुहूर्त वगैरह देखना है क्या? मन कर रहा है कि अभी तुम्हारे पास आ जाऊं, घर पर बहुत डर लगता है, पर चाचा की बेटी की शादी है 6 तारीख को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ही करेंगे मौनी, वैसे भी सुसाइड का प्लान है ना, शादी होने दो। तो फिर 10 तारीख ठीक है ना? तुम ओके कहोगी तो मेरे लिए ओके ही है मौनी। तो यहाँ डेट बुक कर लूँ क्या? यहाँ? कहाँ यहाँ? हैदराबाद। तुम यहाँ आए हो और मुझे बताया भी नहीं, मुझसे मिलोगे नहीं? दिल ही नहीं है ना, जाने दो। मौनी मुझे मिलने का मन नहीं करता है क्या? पर बहुत रिस्क है। मौनी प्लीज रो मत ना। 6 महीने तो हो भी गए, बस अब 10 दिनों की बात है। हाँ रो मत मौनी। ठीक है। माँ, माँ दरवाजा खोलो माँ। कैसी है माँ? ये क्या, कुछ बताया भी तुझे? सरप्राइज देना था। कैसा है बेटा? कितनी दुबली हो गई है, मेरी याद आ रही थी क्या? ये ले थोड़ा और खा ले। बस बस। अरे बस माँ। माँ ये चाय लो, मैं मामा के साथ जाकर आता हूँ। कहाँ जा रहा है तू? कैसा है? चलो चाय बस, तो बस, अभी आ जाएगी दीदी। आता हूँ माँ। आ जाओ। हे रॉकी देखो, जैसे ही मौनी सुसाइड लेटर लिख के आएगी ना तो यहाँ पे पाइल गिरेगी और यहाँ अंदर चुन्नी, पानी की रफ्तार ज्यादा है तो लोग सोचेंगे बॉडी बह गई, किसी को डाउट नहीं होगा। फिर मैं एक भुरका निकाल दूंगा, फिर गांव के बाहर उसे एक बस में बैठा दूंगा, फिर तुम दोनों कहीं भी जाके शादी कर लेना। और जैसा कि मौनी ने कहा था, उसका मामा लाश नहीं ढूंढेगा, फिर भी सेफ्टी के लिए उसका ड्रेस अपने पास रखूंगा, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो किसी भी बॉडी को उसका ड्रेस पहना के मैनेज करूंगा। ए विश्वास कर यार, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है मामा। चल माँ, 2 मिनट आती हूँ। हेलो बोलिए भैया। सुनो मौनी, सब अरेंजमेंट हो गया है, तुम जैसे आओगी वैसे ही तुम्हारी शादी हो जाएगी, सुन रही हो ना? फिर तुम रॉकी की वाइफ, सब लोग दुबई में है ना? धानी धानी होई रे गोरिया, धानी धानी ओढ़ा दो चुनरिया, रानी बनी है आज दुल्हनिया, आने वाला है अब सांवरिया। धानी धानी होई रे गोरिया, धानी धानी ओढ़ा
क्या हुआ? हाँ? क्या है? तुम्हारा पासपोर्ट। हाँ? मैं और दुबई? ठीक है ठीक है, अब ये क्या नई आदत पाली है? पैरों में बाजे पायल, हो रही है दिल में हलचल, अंगड़ाई टूटे पल पल, कब आएगा प्रेमी पागल, झरोखों से मजा आएगा प्यार का राजा, धड़कन पे रखो काबू, नैनों में छुपा लो जादू, अरमानों को अरमानों को अरमानों को थोड़ा कह दो, इतरा के अभी ना मचला, चुड़िया 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 सच सुरमा लगा के अखियां, आज खनक उठी सारी चुड़िया, अरे वाला सपना कसैया, धानी धानी हुई रे गोरिया, धानी धानी उड़ांदी चुनरिया, रानी बनी है आज दुल्हनिया, आने वाला है अब सांवरिया, नाचो गोरिया सखिया, छाई छाई है दिल को खुशियां, खोई खोई है सपनों में अखियां, छोरी छोरी से आई कसैया। चटखोरे लेके खाएगी, बातें सब मनवाएगी, जो पलट के गुर्राएगी, दिल में बजेगा सारंगी और रात हो जाएगी अतरंगी, गुड़िया 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 उड़ जाएगी बन के चिड़िया, थोड़ा शर्मा री गुड़िया, फिर प्यार का बहेगा दरिया, आज गौरिया सखिया, छाई छाई है देखो खुशियाँ, खोई खोई है सपनों में अखियाँ, चोरी चोरी से आएगा सैया, रॉकी एम रानी। सर रानी अब तक आई नहीं है, थोड़ा सा लेट हो जाएगा सर। किरण आप ही है ना? जी नमस्ते। आप आइए। एक मिनट। हाँ हाँ मामा क्या हुआ? मैं यहीं ब्रिज पे खड़ा हूँ, मौनी अभी तक आई नहीं। भाई क्या हुआ? मौनी आई नहीं यार, मामा भी इंतजार कर रहे हैं। भाई ये दुबई का टिकट और पासपोर्ट। हाँ थैंक्स। बाय। बैग देना। मामा आ गई? नहीं आई, बहुत टाइम हो गया है। ज्यादा रुकना बहुत रिस्की है। मामा आ जाएगी। मामा आप वहीं रुकिए। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं यहीं वेट करता हूँ, ठीक है ना? ओ भाई जरा साइड में हो जाना। भाई ना
हुआ मोनी? क्या बात है मोनी? तुम्हें लगा मैंने धोखा दे दिया, यही सोच रहे थे ना? ऐसा कैसे सोचूंगा मैं, रो मत, रो मत मोनी। मैं आ गई, भाग भाग कर आई हूं, पता है? अरे अरे रमा, कहाँ जा रही हो? स्कूल जा रही हूँ मामा। आओ बैठो। नहीं नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। कहाँ ना, चुपचाप बैठो। रमा पास बैठो। रमा, रमा, बात क्या है मोनी? वो कमीना बच्चों को भी नहीं छोड़ता, मेरी जिंदगी नरक बना दी उसने। तुमने डांस बहुत अच्छा किया, ये लो ये चॉकलेट तुम्हारे लिए है। बहुत डर लगता है। डांस करना छोड़ दिया, खेलना कूदना छोड़ दिया, स्कूल जाने से डर लगता था। माँ को मना करती थी कि मुझे स्कूल मत भेजो, क्योंकि वो मुझे स्कूल छोड़ता। नहीं जाना, नहीं जाऊंगी मैं। क्या हो गया? पागल हो गई है क्या? क्या क्यों नहीं जाएगी स्कूल? अच्छे बच्चे स्कूल जाते हैं बेटा। मुझे मामा के साथ नहीं जाना माँ। नींद में भी उसकी बाइक की आवाज सुनती थी। मामा के बारे में किसी को मत बताना, ठीक है? नजर मेरी छोटी बहन पर पड़ गई है, उसे छोड़कर मैं नहीं आ सकती। ऐसे नहीं चलेगा मोनी, नहीं चलेगा। बताना होगा मोनी। हाँ? तुम्हारे घर पे बताना होगा। हम शादी कर सकें इसलिए नहीं, तुम्हारी बहन के लिए बताना होगा, उसे सबक सिखाना होगा। अरे इतने सालों बाद तुम्हारा डर नहीं गया, तुम्हारी बहन का क्या होगा? तुम खाना और सोना छोड़कर बहन को बचाती रहोगी क्या? और कितने दिन ऐसा कर पाओगी? मौनी चलो मेरी बात मानो, चलो आओ। क्या हुआ बेटा? पापा कहाँ है माँ? पहले तुम अंदर आओ, चलो। आपके पति को भी बुला लीजिए, यही बात करेंगे। बेटा ये शादी का घर है, मेहरबानी करके तमाशा मत करो, हमारी इज्जत का तो ध्यान करो। कौन सी इज्जत माँ जी, आपकी बेटी आपको कुछ कहना चाहती है। मौनी बताओ इन्हें। माँ वो मेरी बेटी से मैं बात कर लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। आपने आज तक अपनी बेटी से बात की है क्या? आपकी बेटी किस लड़के से बात कर रही है, कैसे कपड़े पहन रही है, कहां जा रही है, 100 बार पूछा होगा। पर आपकी बेटी खाना क्यों नहीं खाती, इतना डरती क्यों है, खेलती क्यों नहीं, ये कभी पूछा है क्या? अंकल की गोद में बैठो, आंटी के पास जाओ, ये कहती है उससे। लेकिन वो उनके पास क्यों नहीं जाना चाहती, ये आपने उससे कभी क्यों नहीं पूछा?
अगर आपकी बेटी अपनी मन की बात आपसे ना कह पाए तो ऐसे रिश्ते का क्या फायदा? 5 साल का बच्चा भी अपना दर्द बताता है। बात कीजिए इससे। मां दिल की बात नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? तू यहां क्या कर रहा है? तेरी हिम्मत मुझ पर हाथ उठाता है? पापा, इसी के कारण मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हुई है। स्कूल जाना छोड़ दिया, खेलना कूदना छोड़ दिया, घर पर रहने से डर लगता है, चक्कर खा के गिर जाती हूँ। अरे रे रे, ये क्या नाटक शुरू कर दिया बेटा? और तुम पी रखी है क्या तुमने? अंधे हो गए हो क्या? देखो जरा, देखो, तुम्हारी बेटी के कारनामे देखो। इस कमजात को घर ले आई है, इस गंदी नाली के कीड़े के पैर धुलवाएगी कल हमसे, कुछ भी करवाएगी। करोगे? कौन है गंदी नाली का कीड़ा? रॉकी, क्या कर रहे हो? जिंदगी बर्बाद करने वाला मुझे कीड़ा है? कोई ईमानदार है तुम? इससे प्यार करती है तुझे बताया? मुझे कहेगा गंदी नाली का कीड़ा? अरे हिम्मत है तो आई दे तुझे। तुझे शहर भेज कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुझे वहाँ यही सब करने के लिए भेजा था। मेरी बेटी को दोबारा हाथ लगाया तो हड्डियां तोड़ के कुत्तों को खिला दूंगी। मेरी बात सुनो बेटा, दोनों कहीं चले जाओ। इतना दुख दिल में रख के रोते हुए जिया है मेरी बच्ची ने। माँ होने के नाते मैं कुछ नहीं कर पाई। यहाँ से इसको ले जाओ, ये तो बाप के नाम पे कलंक है। वो अपनी लड़की को भगा कर ले जा रहा है और कहा विजय के घर पर जल्दी आओ। मोनी, यहाँ रहना ठीक नहीं है बेटी, चली जा यहाँ से, चली जा। तेरी बहन को मैं संभाल लूंगी, मैं हूँ ना उसके लिए। ए, दरवाजा खोलो। उसके बाहर आने से पहले तू यहाँ से चली जा, वो इस लड़के की जान ले लेगा। मेरी बात सुनो, बहन को मैं संभाल लूंगी, उसकी रक्षा मैं करूंगी। आओ बेटे, दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा। सुन रहे हो? चलो जाओ, जाओ, तू भी जाओ, जा यहाँ से, जा ना, जा, चल चल, जा यहाँ से, जा इसे लेके, जा। मौनी, चलो, चलो, आजा। माँ, माँ दरवाजा खोल। अरे क्या हुआ? क्या है ये सब? पहले जमीन बेचकर जुम्बा, जुम्बा और बीच में दुबई जाना है, अब दुबई छोड़कर तुझे ले आया यहाँ। पियो पियो तुम, ये तुम्हारी किस्मत है। माँ जल्दी करो। तू चुप कर। माँ जल्दी। वैसी मैं वही करता है। ये ले, ये पहन ले, बिना चप्पल के लिए आया तुझे। चलो चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? कौन हो? आओ माँ, माँ। ए रॉकी, तू निकल यहाँ से, मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकता। मेरी बात समझ यार, सॉरी यार, मैं कुछ नहीं कर सकता, जा यहाँ से।
माँ मुझसे और नहीं होगा बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे और नहीं भागा जाएगा। माँ जाना होगा, हमें जाना होगा। माँ चलो। माँ पीछे पीछे। अरे ये तो उनका है। हा? क्या माँ? ये शमशान तो उनका है। किसी ने अगर देख लिया तो। क्या उनका नहीं है माँ? क्या है जो उनका नहीं है? हमारी पूरी जिंदगी उनकी है, सारी जिंदगी वो ऊपर हम नीचे। मरते दम तक हमारे बीच भेदभाव रहेगा। मेहनत करवाएंगे पर पैर भी रखने नहीं देंगे। ए, तेरे बोल पागल हो गया है? पागल नहीं हूं तो और क्या करूं माँ? गांव उनका, इस पर अधिकार भी उनका, पूरी जिंदगी उनकी। हमें कहाँ रहना है, किससे शादी करनी है, जमीन कितने में बेचनी है, कहाँ मरना है, मरने के बाद भी कहाँ जाना है, ये भी उनके हिसाब से हो रहा है। पागल हो रहा हूँ माँ। अरे तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? मार डालेंगे वो, चल यहाँ से जल्दी। कहाँ जाएंगे माँ? और क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? रॉकी प्लीज मेरी बात सुनो, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। अच्छा भैया को फोन करते हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे, हम शहर चले जाएंगे। मेरे मामा को भी मार देंगे, तुम्हारे मामा सबको मार देंगे, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को भी। उन्हें वहां जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मुझे मरना नहीं है मौनी, लेकिन जीने के लिए ऐसे भागना मुझसे नहीं होगा। मरना है तो मर जाएंगे, लेकिन लड़के मरेंगे। नहीं मिले? अरे ठीक से ढूंढो, वही कहीं होंगे। किसी को छोड़ना मत, मिलते ही पहले लड़की को मार दो, फिर उस लड़के को और उसकी माँ को भी खत्म कर देना। हाथ कैसे लगा? तेरी बेटी जैसी थी ना, उसे हाथ कैसे लगा? कैसा इंसान है तू? रॉकी छोड़ दे। रॉकी किसके साथ भाग कर जा रही थी तू? नहीं रह सकती, सब कुछ बता दिया ना? मुझे बदनाम कर रही है तू? देख मैं अब इसका क्या हाल करता हूँ। मुझे भी छोड़ूंगा नहीं, उसकी आंखों के सामने तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चल छोड़ूंगा नहीं तुझे। मौनी मौनी तुम ठीक तो हो ना? मौनी मौनी मेरी तरफ देखो, मौनी तुम ठीक तो हो ना? मौनी मौनी कुछ कहो। मौनी मैं देर करता तो मौनी मर जाती, देखा नहीं तुमने? मौनी 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 तुम रो क्यों रही हो? हाँ वो शैतान मर गया, मरने दो उसे। सिर्फ हमारी ही नहीं, गांव के आधे बच्चों की बला टल गई। उसकी गलती है तो क्या मुझे जेल में डालेंगे? डालने दो, 10 साल 20 साल देख लेंगे, डालने दो। हम दूर होकर कैसे जी पाएंगे? मैं तो मर जाऊंगी, मुझसे नहीं होगा रॉकी, मुझसे नहीं होगा। जीना होगा मौनी, हमें जीना होगा। हम जैसे लोगों के लिए बनी है यह दुनिया, जात पात धर्म परिवार को इज्जत से तोलने वाले लोगों के लिए नहीं बनी है। सर मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है सर, मैं आपके पैर पड़ती हूँ सर, मेरी बात तो सुनिए सर।
चलो। इसे ने मार दिया मेरे बेटे को। मोनी हट जा। मैं तुम्हें जाने दूंगी। मोनी ऐसा मत करो। मोनी मुझे कुछ नहीं होगा। जहन्नम में सड़ेगा ये। कहीं जगह नहीं मिलेगी इसे, देख लेना। रॉकी के लिए एक और शब्द कहना तो छोड़ूंगी नहीं। यही धमकी अपने बेटे को दी होती तो वो ऐसा नहीं बनता। मुझ पर नजर रखने के बजाय उस पर रखती तो मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। मेरा बेटा निर्दोष है सर, सर उसने कुछ नहीं किया सर। सर छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर बैठती हूँ। रॉकी, मोनी मुझे कुछ नहीं होगा। मोनी मैं वापस आ जाऊंगी। मोनी घबराओ मत। मोनी मैं ठीक हूँ। मोनी मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वापस आऊंगा। ऑर्डर ऑर्डर। ये सब जानबूझकर नहीं किया गया है। मरने वाले नरेश दुर्गा प्रसाद अपने अपराध को छुपाने के लिए मोनिका रानी की हत्या करने जा रहे थे। केवल उनसे बचने की कोशिश में रॉकी के हाथों ये हादसा हो गया और उस वजह से नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई।